हरे कृष्णा। महाभारत के आज 22वें दिन में आपका स्वागत है। पार्ट टू में भगवान श्री वेदव्यास, भगवान श्री कृष्ण और पूर्ववर्ती आचार्यों और गुरु शिष्य परंपरा को प्रणाम करते हुए मंगलाचरण करते हैं। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तो आज का जो विशेष प्रसंग है जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण इवन दो वी डू सम मिस्टेक्स ही कैन ब्रिंग आउट गुड फ्रॉम दैट आल्सो, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ भगवान श्री कृष्ण। बट बिफोर, पहले वो इंसिडेंट को लेने से पहले हम कुछ एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था प्रसंग कि दुर्योधन और उसके जो मित्र हैं कर्ण और कपटी शकुनी और दुशासन, ये चारों किस कपट की भावना से कहां आते हैं द्वैतवन, ताकि किससे पांडवों को अपना वो उत्साह अपना वैभव दिखा करके उनको एक पीड़ा पहुंचाना चाहते थे। तो कई बार जब लोग दूसरे लोग दूसरों को दुख पहुंचाने में उनको आनंद मिलता है तो समहाउ अदर प्रकृति ऐसा खेल खेलती है, देव ऐसा गेम खेलता है कि वो खुद ही उसमें फंस जाते हैं। और हमने देखा कुछ विशेष, क्या देखा था कि युधिष्ठिर महाराज के कैरेक्टर में कुछ हमने चेंजेस देखा। तो उसी को लेकर के थोड़ा सा मैं सोचा कि आज हम एनालिसिस करेंगे कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर महाराज, कि आखिर युधिष्ठिर महाराज का क्या कैरेक्टर था और वो कैसे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे जीवन में सीखने के लिए, टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, क्या क्या युधिष्ठिर महाराज के जीवन से हम सीख सकते हैं। तो उसी विशेष एनालिसिस करने के लिए हमने थोड़ा सा फ्लैशबैक जाएंगे स्टोरी में, जो आप पहले भी सुन चुके हो, और उन चीजों को देखने का प्रयास करेंगे आज हम युधिष्ठिर महाराज के एंगल से। पहला चीज जैसे याद होगा जो गैम्बलिंग मैच, जो कि टर्निंग पॉइंट है इस महाभारत का, उसमें क्या होता है गैम्बलिंग मैच के समय कि सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज को बुलावा आता है, किससे धृतराष्ट्र भेजते हैं विदुर को कि आप लेकर आइए किनको, युधिष्ठिर महाराज को जुआ खेलने के लिए, द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए। जब वो द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए आते हैं कौन, युधिष्ठिर महाराज, फिर ना चाहते हुए भी भाग्य डेस्टिनी के कारण और कुछ संयोग के कारण उनको अपनी पत्नी और अपना पूरा राज्य दांव पे लगा देते जो कि वो हार जाते हैं। हारने के बाद उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। वहां पे हम देखते हैं यहां से टर्निंग जो है, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, क्या क्या अपने जीवन में युधिष्ठिर महाराज ने सीखा गलतियों से, और बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो युधिष्ठिर महाराज का जीवन है, इसीलिए ये जो महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं, ये पर्सनालिटी वास्तव में है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जीवन में भी लागू होता है। युधिष्ठिर महाराज वास्तव में थे भी, और जो युधिष्ठिर महाराज के जीवन में कुछ हुआ वो हम अपने जीवन में भी देखने का मिलता है। तो इसलिए हम देखेंगे क्या क्या जो मिस्टेक्स था या क्या क्या चीजें थी, क्या क्या युधिष्ठिर महाराज ने सीखा। पहला इंसिडेंट लेते हैं जब उनके साथ 60,000 ब्राह्मण आए हुए होते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि इन ब्राह्मणों को कैसे पूजन कराएं। नाउ उस समय सौनक ऋषि आकर के बोलते हैं क्या युधिष्ठिर को, सौनक आदि ऋषि कहते हैं सौनक ऋषि कि युधिष्ठिर तुम 60,000 ब्राह्मणों को नहीं खिला पाओगे, बहुत दुख का ये विषय है, इसलिए तुम अपने सेल्फ ग्रोथ पे आत्मसंतुष्टि पे अभी ध्यान देना प्रयास करो। पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं वहां पे कि ये मेरा धर्म है। पहला चीज युधिष्ठिर महाराज क्या करे, ये मेरा धर्म है, क्या सा धर्म, गृहस्थ धर्म की वैष्णो और ब्राह्मणों की सेवा करना। इसके साथ साथ
ये चैरिटी के साथ साथ हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज का एक स्ट्रैटेजी भी था। क्या स्ट्रैटेजी था उनका? स्ट्रैटेजी था क्या, ये 60,000 ब्राह्मणों को अगर मैं खिलाता हूं तो क्या होगा, ये मेरे अपने हो जाएंगे। क्योंकि याद होगा भीष्म देव द्रोणाचार्य कहते भी हैं युधिष्ठिर को कि अन्न खाने से, किसी का अन्न बार बार खाने से हम उसके ऋणी हो जाते हैं, और उसके ऋणी हो जाने के कारण ना चाहते हुए भी गलत और सही समय पे उसको उसके साथ ही रहते हैं। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज का यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस इंसिडेंट से हम एक चीज सीखते हैं युधिष्ठिर महाराज का, हम कि वो कंपैशनेट भी थे और साथ साथ सेल्फ ग्रोथ भी वो देख रहे थे अपना। उनके सेल्फ ग्रोथ में उनका सेल्फिशनेस सिर्फ अपनी स्वार्थ भावना नहीं था। क्यों? अगर कोई व्यक्ति स्किल डेवलप कर रहा है, सेल्फ ग्रोथ करना चाह रहा है, और उस सेल्फ ग्रोथ में अगर वो समाज की या किसी व्यक्ति की अनमोटिवेटेड सेवा, कोई भी किसी प्रकार का मोटिवेशन रखते हुए ना, बल्कि अनमोटिवेटेड वे अगर किसी की वो सेवा करना चाहता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक राजा भी हैं, राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा के बारे में सोचना, उनके प्रति दया भावना रखना, लेकिन साथ ही साथ उसको अपना रिसोर्सेस भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये देखते हुए युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इतना प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। एक प्रैक्टिकल कोई टीचर के पास, जो उनके पास पुरोहित थे, धौम्य ऋषि से गाइडेंस लेते हैं, और धौम्य ऋषि उनको अक्षय पात्र प्रदान करने का वो माध्यम बताते हैं, जिससे कि वो अक्षय पात्र के माध्यम से वो उन ब्राह्मणों को और सभी को भोजन करा सके। तो ये पहला इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट अगर देखें तो जब भीम और युधिष्ठिर महाराज के बीच में कन्वर्सेशन होता है, युधिष्ठिर महाराज का जो कन्वर्सेशन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पे अगर हम देखेंगे तो भीम बार बार बोल रहा था क्या चीज का, कि जस्टिस जस्टिस, और उसने क्वेश्चन उठाया कि अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी को क्षमा कर देता है, बार बार क्षमा कर देने से क्या होता है, क्या स्वभाव हो जाता है, कि सामने वाला ये सोचता है कि वो तो बुजदिल है, वो तो दुर्बल है, वो तो डरपोक है, वो कायर है। भगवद गीता में भी अगर पहले चैप्टर में ध्यान दें तो अर्जुन जो था वो भगवान से कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं गांडीव रख दे रहा हूं, मेरे से युद्ध नहीं होगा, और वो क्या लॉजिक रीजन देता है, कहता है कि मैं अपने करुणावश, किसकी करुणा, अपने सगे संबंधी, दादा गुरु भाई बंधुओं को कैसे मार सकता हूं। वहां पे भगवान एक सुंदर बात कहते हैं अर्जुन तुम जो ये करुणावश ये जो युद्ध नहीं कर रहे हो, ऐसा मत सोचो कि सामने वाला ये सोचेगा कि तुम महान हो, वो तुमको महान नहीं, वो तुमको डरपोक समझेगा, वो तुम्हारी कायरता पे हंसेगा, इसलिए तुम युद्ध ना करके बल्कि अपना अपयश इनफेमी हो रहे हो। उसी तरीके से जब भीम बार बार बोल रहा होता है युधिष्ठिर महाराज को, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भीम सुनो, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तीन कारणों से मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और वो तीन कारण क्या बतलाते हैं, पहला कारण कहते हैं युधिष्ठिर महाराज की मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है अभी। दूसरा चीज, जो अगर तुमको लगता है जो राजा, कौन से राजा, कोई भी राजा जिनको हमने राजसु यज्ञ में अपना सगे संबंधी समझा था, वो अगर तुमको लगता है भीम कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, तो वो किंग्स हमें अभी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ना रिसोर्सेस है और ना ही हमारे पास अभी पावर है। ये प्रैक्टिकलिटी है। हम देखते हैं कई बार जब व्यक्ति निर्धन हो जाता है,
या उसका सब कुछ छीन जाता है तो हम देखते हैं उसके सभी संबंधी भी उसका हाथ उसके ऊपर से हटा लेते हैं। तीसरा चीज वो बोलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कहते हैं कि हमको लड़ना पड़ेगा किससे, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सभी से भी लड़ने को तैयार रहो। ये कह करके फिर भीम कहता है कि क्या फिर हम वेट करें, क्या हम इंतजार करें, यही रह गया है, हो सकता है कि 13 वर्ष होने से पहले ही हमारी मृत्यु हो जाए। यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात, अगर युधिष्ठिर महाराज का ध्यान दिया होगा जब मैंने आपको बताया होगा, युधिष्ठिर कहते हैं व्यास देव ने कहा है कि 13 साल के बाद युधिष्ठिर तुमको विधाता ने निमित्त बनाया है, इंस्ट्रूमेंट बनाया है इन सारे कुरुवंशियों का वध करने के लिए, और साथ कौन देगा, भीम और अर्जुन जैसे तुम्हारे भाई। ये बोलते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे को व्यास देव के वचनों पे विश्वास है, और व्यास देव के वचनों पे विश्वास रखते हुए मैं 13 साल का इंतजार करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का मतलब है कई बार जब हमारे जीवन में दुख आता है, 13 दिन के दुख में व्यक्ति क्या हो जाता है, वो प्रश्न उठा देता है भगवान पे, भगवान के धर्म पे, ब्राह्मणों पे, वैष्णवों पे, वो कहता है कि मैं भक्ति करूं ही क्यों, ऐसे कई लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं युधिष्ठिर महाराज के जीवन से कि उनके अंदर धैर्य, जो धीरज है, क्या है, पेशेंस, हाँ, कि मेरे को समझना है, भगवान के बारे में सुनना है, ब्राह्मणों के बारे में सुनना है, ऐसे वो समझ रखते हुए युधिष्ठिर महाराज घबराते नहीं है, कहते हैं कि विश्वास है मेरे को कि जब व्यास देव ने बोला है, जब विप्र ने बोला है, जब किसी वैष्णव ने बोला, जब धर्म है, तो भले ही देर हो सकता है जस्टिस में। कई बार जब हमको जस्टिस नहीं मिलता है अपने सुपीरियर से, कुछ समय लग जाता है, तो हमारा विश्वास ही उड़ जाता है अपने ऊपर सुपीरियर से, या धर्म से, या भगवान पर से। लेकिन हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि नहीं, जस्टिस या धर्म में डिले हो सकता है, लेकिन वो डिले होने के बावजूद भी हमें जस्टिस मिलेगा। इन वचनों से हमको यह समझ में आता है कि युधिष्ठिर महाराज का इतनी भारी विपत्ति में भी जो धर्म, जो अच्युत के प्रति जो आश्रय, जो भगवान के प्रति आश्रय, वो हिला नहीं। इसलिए भीष्म पितामह याद करते हैं अपने बाणों के सैया पर लेटते हुए भी कि अहो कष्टम अहो अन्याय, इतना कष्ट भोगने के बाद भी, इतना अन्याय के बाद भी युधिष्ठिर तुम इतने महान हो कि तुम्हारा अपने धर्म के प्रति, तुम्हारा भगवान कृष्ण के प्रति कभी भी जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वो डगमगाया नहीं। ये हमें युधिष्ठिर महाराज से सीखने को मिलता है। कई बार जैसे आज मैंने क्वेश्चन भी पुट किया था कि लोग कह सोचते हैं, मैं भी पहले सोचता था कि युधिष्ठिर महाराज हर समय फॉरगिवनेस, हर समय क्षमा की बात करते हैं, अहिंसा की, तो क्या वो गांधी जी जैसे हैं? देखिए, ये रियलिटी है, ये मूवी नहीं है कि जहां पे एक थप्पड़ पड़ेगा तो दूसरा थप्पड़ आगे गाल लगाएंगे तो सामने वाला सुधर जाएगा। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। एक थप्पड़ कोई मारा और अगर आप दूसरा गाल भी लगाओगे तो सामने वाला क्या करेगा, मारेगा या छोड़ेगा, मार देगा। नहीं है तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है कि सामने वाला छोड़ देगा वो थप्पड़, और भी अगर मन करेगा तो और भी मारता चला जाएगा। तो ये रियलिटी है, इसलिए हमें समझना होगा युधिष्ठिर महाराज के कैरेक्टर को, उनको गांधी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अगर इतने बेवकूफ होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी उनको, युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाने का प्रस्ताव रखते ही नहीं। तीसरा प्रसंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये होने के बाद वो चिंतन करने लगते हैं, क्या चिंतन करने लगते हैं, वो चिंतन करते हैं धर्म का,
और प्लस क्रिया करने का, कुछ एक्शन एक्शन करना चाहते हैं, और ये चीज देता है योग का। ये क्या चीज कहना का मतलब है, कई बार हम क्रिया या एक्शन बिना सोचे समझे करते हैं, उससे क्या होता है एक्शन विदाउट थॉटफुल अगर बिना सोचे समझे किया जाए तो वो डिस्ट्रक्शन लाता है हमारे जीवन में भी और दूसरे के जीवन में। और सिर्फ सोचते रहे और कोई एक्शन ना करे तो वो क्या हो जाता है, वो पोएटिक हो जाता है। यानी क्रिया के साथ साथ चिंतन भी जरूरी है, अगर दोनों का समावेश होता है तब जाके योग बनता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास जा करके हमें उन लोगों का संग करना चाहिए जो कि धर्म के बारे में जानते हैं, धर्म के बारे में विचार करते हैं, धर्म के बारे में जो समझते हैं, धर्म के गुह्यम चीज को समझे हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलना चाहिए, ऐसे लोगों का अनुभव लेना चाहिए। जो कि हम ये देखते हैं युधिष्ठिर महाराज के जीवन कि वो हरेक तीर्थ यात्रा में जाते हैं, हरेक ऋषि मुनियों से वो मिलते हैं। क्यों मिलते हैं ऋषि मुनियों से, अगर देखें तो ये ऋषि वो हैं जिनको ये पता है हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। ये मुनि के अलग हैं, अगर ऋषि देखें लोमस ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, ये इतने व्यास देव अनासक्त हैं फिर भी ये जानते कि भौतिक जगत में कैसे रहना है, और इस जगत में रहते हुए उस जगत वह लोक का उस लोक का चिंतन करते हैं। क्या चिंतन करते हैं कि कैसे उस भगवत धाम जाया जा सकता है। यहाँ पे जैसे कि आज आपको पता भी होगा भद्र पूर्णिमा है, तो आज भद्र पूर्णिमा का विशेष दिन है। आज श्रीमद् भागवतम ऐसे कहते हैं कि कोई दान करता है या श्रीमद् भागवतम का पाठ या श्रवण करता है तो उसको भगवान की भक्ति में या भगवान के प्रेम में उसका उदय होता है। देयर इज ए इंटरकनेक्शन बिटवीन भागवतम एंड महाभारत। व्यास देव ने बहुत वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर लिखा है, बहुत सारे ग्रंथों लिखे हैं। क्यों? क्योंकि समय देश काल और पात्र के अनुसार तीन चीज को रखते हुए वर्ल्ड लाइफ एंड लीव, वर्ल्ड लाइफ एंड लीव, जीवन और ये जीवन के पर्यांत कैसे उस भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो महाभारत अगर हम देखें, महाभारत ये सिखलाता है कि हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस जगत में कैसे रहना है, और भागवत हमें यह सिखलाता है कि इस जगत को छोड़ करके उस भगवान के अध्यात्म जगत को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ये महाभारत और ये भागवतम का समावेश है ये दोनों में। इसमें इसीलिए महाभारत और भागवत का समावेश क्या चीज है, जब महाभारत और भागवत को हम पढ़ते हैं, दोनों को पढ़ने के बाद हम भी युधिष्ठिर महाराज के जैसे और पांडव जैसे चरित्र होगा कि हम उनके जीवन में देखते हैं वो अपने स्वधर्म में लगे हुए होते हैं, कभी भी उनको अपने स्वधर्म में एक जगह भी कहीं भी दिक्कत नहीं आता है। जब हम जानते हैं जब अर्जुन गए होते हैं तो उनका इंद्र भी परीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि अब तो तुम यहाँ तक आ गए तो क्यों अपना स्वधर्म त्याग करके तपस्या करो, वो कहता नहीं मैं धनुष रखने नहीं आया हूँ बल्कि दिव्यास प्राप्त करके फिर से धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा। तो ये हम देखते हैं कि स्वधर्म इन लोग का पूरा क्लियर था। और जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि परीक्षित महाराज हो गए हैं राज्य संभालने के लिए तो उन्होंने ब्यूटिफुली लीव कर दिया है ये जगत को। तो ये दोनों चीज का जब तक व्यक्ति इन दोनों चीज का इंटीग्रेशन या एक तरीके से कह सकते दोनों का समावेश नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा, इन चीजों को समझ पाएगा। इसीलिए जब व्यास देव ने देखा तो वो तुरंत आते हैं युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति विद्या देते हैं जिससे वो कहते हैं कि तुम इस विद्या से क्या कर सकते हो, तुमको क्लैरिटी आ जाएगा कि हर चीज को उसी तरीके से देखने का, और दूसरा तुम देवी देवता को बुला करके उनसे सेलेस्टियल दिव्यास्त्र को भी प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज का चरित्र हम देखते हैं कि जब वही युधिष्ठिर महाराज
दुर्योधन का जब ये समय आ गया कि दुर्योधन को छोड़ा जाए या मारा जाए, मतलब कि उसको दंड दिया जाए, तो वो जानते थे अभी युधिष्ठिर महाराज बदल गए थे। ये इंसिडेंट मेरे को थॉट प्रोसेसिंग लगा, प्रोवोकिंग, कि सही में युधिष्ठिर महाराज गांधी जी नहीं है। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने ये ध्यान दिया, उन्होंने, हमको लगेगा अरे उन्होंने छोड़ दिया, वो छोड़े क्यों, उनके पीछे उनका स्ट्रेटेजी था। वो राजतंत्र को समझ गए थे कि मैंने दुर्योधन को, मैं जानता हूं कि अगर मैं दुर्योधन को छोड़ दूंगा तो दुर्योधन का कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो टूट जाएगा, जो कि हमेशा वो तोड़ना चाहता था युधिष्ठिर महाराज का। वो युधिष्ठिर महाराज जानते थे इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, और जब वो टूट जाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, वह गिर जाएगा, तब उसके मन में क्या आएगा, इसके दुर्योधन के, कि वो राज्य भी नहीं लेना चाहेगा। तो ये जान करके ही युधिष्ठिर महाराज ने ये कार्य किया। इसीलिए हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज के जीवन से कि कंपैशन के साथ साथ वो अलर्ट भी थे। कि कंपैशन के साथ साथ उनके अंदर जो अलर्टनेस था, कि जानते थे कि क्या चीज होना है, क्या चीज करना है, ऐसे युधिष्ठिर महाराज वो चीज हमें सिखाते हैं। तो ये देखने के बाद हम, जैसे कि फिर दुर्योधन का हमें पता चला कि दुर्योधन को जब कर्ण मिलता है तो कर्ण कहता है कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि तुम जीत गए। तो दुर्योधन कहता है मैं वास्तव में जीता नहीं, मैं हार गया, बल्कि अर्जुन और पांडव ने मेरी रक्षा की। यहां पे एक और चीज सीखने को मिलता है पांडवों से, कि जैसे भगवद गीता में भी आता है पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में, कि अर्जुन से दुर्योधन बोलता है आचार्य को, अपने द्रोणाचार्य को, कि पश्चाताम पांडु पुत्रानाम, ठीक है, आचार्य महतिम चमुम, कि हे आचार्य आप देखिए कि पांडवों ने कितने अच्छे से सेना का संगठन किया है। वहां पे हमको देखना एक चीज एक समझ में आता है, ये है पांडव लोग जो फियरफुल नहीं है, फियरलेस हैं, लेकिन फियरलेस के साथ साथ वो टैक्टलेस भी नहीं है, उनके पास स्ट्रेटेजी भी है। जैसे मान लो, एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, कोई सोल्जर है, एक सैनिक है, और वो सैनिक बहुत ही निर्भय, और उसको मन करता है कि मैं दुश्मनों पर अटैक करूंगा, और वो खुले आम चला जाता अकेले दुश्मनों से अटैक करने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दो चार दुश्मन को मारेगा, अब बाकी उसके बाद उसका हरी बोल हो जाएगा, उसको मार डाला जाएगा। ये मूवी तो है नहीं कि वो अकेले जा रहा है, 50-100 गुंडों को अकेले मार दे रहा है, उसको एक गोली इधर से निकल जा रहा है, दूसरा गोली इधर से निकल जा रहा है, तीसरा गोली ऊपर से निकल जा रहा है, पसीना तक नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं होता है। तो जब हम देखते हैं कि फियरलेस के साथ साथ हमारे अंदर स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए, जैसे कि कई बार, खास करके ये हमारे लिए भी जीवन में बहुत जरूरी है, कि जब हम भक्ति में आते हैं, जब हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं ये भक्ति जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ, खास करके ऐसे मटेरियलिस्टिक कंडीशन में, ठीक है ना, मटेरियलिस्टिक कल्चर में, जहाँ हर जगह लोग मटेरियल बात कर रहे हैं, हम साथ में रह रहे हैं, जहाँ लोग पब जाना पसंद करते हैं, दारू पीना पसंद करते हैं, गलत गलत कार्य करना पसंद करते हैं, तो उस सिचुएशन में ये बहुत जरूरी है कि हम फियरलेस होकर के स्पिरिचुअल लाइफ के पाथ को ऑप्ट करते हैं। प्लस हम ये नहीं कि बस फियरलेस हैं, प्लस हमारे अंदर स्ट्रेटेजी रहता है। कैसा स्ट्रेटेजी, कि हम समझते हैं, हम जानते हैं कि हमारे व्यवहार से वो सामने वाले को ऐसा उसके लिए अनुकूल कर देना कि जिससे कि वो भी भक्ति को ले सके। दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए ग्रेट डिवोटी, कि वो तो पहले खुद ही भक्ति के मार्ग को चुनना उसका वो निर्भयता लेता, दूसरा प्लस अपने आचरणों से ऐसा कर देना कि जहां वो रहता है वहां पे भी उन लोगों को भक्ति का प्रदान कर देना। ये चीज हम पांडव से सीखते हैं। तो जब दुर्योधन हो जाता है, और दुर्योधन ये वचन ले लेता है कि मैं आमरण अनशन पे जाऊंगा,
मतलब कि मैं मर जाऊंगा। कहता कि मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं हस्तिनापुर, तुम लोग सभी वापस चले जाओ, दुशासन तुम आज से राजा घोषित हो गए। दुशासन कहता अरे नहीं 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 बड़े भैया, मैं आप ही आप राजा रहोगे, मैं तो, वो रोने लग जाता है। कर्ण कहता है, देखो कर्ण कितना, मतलब कर्ण का सुझाव सोचने वाला चीज है, कितना कपट है कर्ण का। मेरे को आश्चर्य होता है कि कर्ण के बारे में किसी ने आज तक ऐसा बताया ही क्यों, या तो लोगों ने कभी पढ़ा नहीं या पढ़ा तो दिखाया नहीं, आपसे इतना चीज गलत छिपाया गया। तो आप देखोगे कि ये 249 चैप्टर में आता है, वन पर्व के 39 वर्स में क्या बोल रहा है, वो कहता है उसको बोलना चाहिए था क्या कि देखो अभी पांडव कितने महान हैं, उनका कृतज्ञ रहो, ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, हमें उनसे संधि कर लेना चाहिए। तो ऐसे कपटी कर्ण जैसे लोगों का सुझाव क्या रहता है, वो कहते हैं कि देखो गंधर्वों से छुड़ाकर जो पांडवों ने की क्या किया, उन्होंने वास्तव में अपना कर्तव्य किया। समटाइम्स चिल्ड्रन से ना, जैसे माता पिता कहते कि हमने बच्चों तुम्हारे लिए बहुत किया, तो वो कहते कि अरे आपने किया ही क्या, वो तो आपका धर्म था करना, इतना मतलब कि हम कृतज्ञ हो जाते हैं, अनग्रेटफुल हो जाते हैं कि हम अपने माता पिता को ये सिखाते कि यह तो आपका धर्म ही था। उसी तरीके से ये कर्ण जैसे कपटी ये क्या बोलते हैं कि ये तो पांडवों का धर्म ही था, कर्तव्य था, क्या कर्तव्य था आपका छुड़ाना, उन्होंने कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया। और इसके आगे क्या बोलते हैं आए कर्ण, कहता है कि जो भी प्रजा होती है उसका ये कर्तव्य है कि जो उसके राजा उसकी जीविका चला रहे हैं उसका किसी ना किसी प्रकार से सहायता करें। आप समझ रहे हैं, तो ये चीज बोल रहा है। तो ये बोल करके वो कहना चाहता है, दिखाना चाहता है ये हमें कर्ण का कि हाउ अनग्रेटफुल है कर्ण, इससे हमें यही समझ में आता है। और लोग बात करते हैं कर्ण की महानता के ऊपर, जिस व्यक्ति के अंदर इतना कृतज्ञता ही नहीं है वो कहां से महान हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, कर्ण समझाता है लेकिन फिर भी समझता नहीं है। दुर्योधन कहता है नहीं मैं तो आमरण अनशन ही करूंगा। शकुनी भी समझाता है कि भाई तुम जियोगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा राज्य, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कपट से जीत करके दिया, आप तुम मरना चाहते हो। कहता है नहीं 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 दुशासन राज करेगा, आप भी राज करो, मैं जाता हूं। ये सब होने के बाद उस रात को जब वो दुर्योधन सो रहा होता है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं शायद आपने पहले कभी ना देखा था और ना मेरे को लग रहा है आपने सुना होगा, क्योंकि मैं भी पहली बार ये खेल गया सुन करके। मेरे को पता नहीं ये कहां से स्टोरी आया है, ये कहां से लोगों ने लाया है। व्यास देव के महाभारत के अनुसार, मैं आपको व्यास देव के महाभारत बता रहा हूं, व्यास देव के महाभारत के अनुसार कभी ऐसी कोई घटना हुई नहीं। कौन सी? जिसमें गांधारी ने अपने दुर्योधन के शरीर को वज्र जैसा बनाया। क्यों? क्योंकि लॉजिकल है। ये तो प्रसंग मेरे को बाद में लेना चाहिए था, पर कल मैं पढ़ रहा था तो ये आया, तो इसलिए मैं सोचा आज ही उठा दूं। अगर गांधारी ने अपने तपस्या से दुर्योधन के जो आंख का पट्टी खोल करके अगर वज्र जैसा बना दिया शरीर, तो फिर मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने बहुत बार मेरा प्रसंग में सुना होगा कि ब्राह्मण जब अपना क्रोध करता है तो उसका सारा तपस्या छीन हो जाता है। आप जो भी तपस्या करते हो अगर उस तपस्या का सारा फल किसी को दे दिया तो फिर आपके पास उसका फल बचा कहां? समझ रहे हैं आप? 10 मैंगो आपके पास से सारा दे दिया तो आपके पास कोई बचेगा नहीं। तो फिर जब गंधारी ने अपने सारे तपस्या का फल दुर्योधन के शरीर को वज्र बनाने में लगा दिया, तो फिर गंधारी ने श्राप कैसे दे दिया अपने तपस्या के बल पे, वो भी भगवान कृष्ण को? सोचिएगा, महाभारत में व्यासदेव के अनुसार ऐसा पतन हुआ ही नहीं। ये कहां से आया ये मेरे को भी नहीं पता, मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूं, मैं भी ढूंढ रहा हूं कहां से लोगों ने ये कहानी बनाया। ठीक है, कोई बहुत बड़ा उसमें दोष नहीं है, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूं व्हाट इज द फैक्ट, फैक्ट क्या है।
तो फिर आप कहोगे प्रभु जी फिर वज्र जैसा शरीर हुआ कैसे दुर्योधन का, तो वो मैं अब आपको बता रहा हूँ जो व्यास देव के महाभारत में लिखा है। तो ये जो प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या होता है जब ये दुर्योधन, ध्यान से सुनिएगा, आमरण अनशन पे बैठ जाता है और कहता है अब तो मैं मरूंगा और रात को सो रहा होता है। इधर रसातल में जो दानव और राक्षस और दैत्य लोग रहते हैं उनके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है और वो भय उत्पन्न होने के कारण वो आपस में चर्चा करने लगते हैं और कहते हैं, ये आपका मिलेगा 251 पॉइंट में और ये पूरा आप पढ़ सकते हो 23 से 27 वर्ष में। वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, जब उनको पता चलता है कि दुर्योधन आमरण अनशन करने बैठ गया है तो कहते हमारा तो फिर पक्षी नष्ट हो जाएगा, हम फिर देवताओं पे विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वो शुक्राचार्य के पास जाते हैं, शुक्राचार्य से कहते यज्ञ करने के लिए, वो यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ से एक राक्षसी जिसका नाम होता है कृत्या करके एक राक्षसी उत्पन्न होती है और वो उसको कहते हैं कि जाओ दुर्योधन जो सोया हुआ है उसको उठा करके इस रसातल में लेकर के आ जाओ। शायद आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा कभी ये कहानी, ठीक है, पर मैं इसीलिए लिख दिया, ये आप देख लीजिएगा, ये वन पर रुके। जब रसातल में वो कृत्या दुर्योधन को लेकर आती है, यहाँ पे कुछ विशेष चीज बोलते हैं और वो कहते हैं तानोलो कि तुम आमरण अनशन मत करो, क्यों नहीं करो, इसका रीजन बताते हुए बोलते हैं इस वर्ष में और कहते हैं जो कि मैंने भी पहली बार पढ़ा और वो ये चीज था कि पूर्व काल में राक्षस लोग बोले हमने शिव जी को तपस्या किया, शिव जी को तपस्या करके प्रसन्न करके हम ऐसा एक प्राप्त किया, एक शरीर का प्राप्त किए हैं, मतलब कि ये दुर्योधन को कह रहे हैं कि आपको हमने प्राप्त किया और आपका शरीर भगवान शिव की कृपा से ये जो थाई है ये जांग के ऊपर से सारा आपका शरीर वज्र के समान है, ये शिव जी का वरदान है, समझ रहे हैं, ये शिव जी का वरदान है, ये स्वयं दानव लोग बोल रहे हैं इस वर्ष में। और जांग से नीचे वाला जो भाग है वो पार्वती जी ने कोमल बनाया इसलिए ताकि सुंदर स्त्रियों को आकर्षण करने के लिए। तो आपका मिक्सचर है, आपका शरीर किसका, पार्वती और भगवान शिव के वरदान से, इसलिए आपका जो शरीर ऊपर का है वो वज्र का समान है, मतलब कि कोई अस्त्र शस्त्र भी आप पे यूज, आप पे प्रहार की तरह यूज नहीं किया जा सकता, ये चीज बतलाते हैं। तो इसलिए जो हमने वरदान करके इतना तुमको प्राप्त किया और तुमको गंधारी के गर्भ में डाला, तुम उसको क्षय मत करो और तुम घबराओ नहीं। कर्ण जो कि यहाँ पे स्वयं लिखा है, इसमें आप पढ़ लेना, कर्ण भी एक राक्षस है, वो अर्जुन को मारेगा, आप घबराओ नहीं। अगर आपको अर्जुन से डर लग रहा है तो हमारा जो राक्षस है कर्ण वो मारेगा अर्जुन को, ऐसा राक्षस लोग हमेशा सोचते हैं ना कि हम तो धर्म पे विजय प्राप्त कर लेंगे। और कहते कि घबराओ नहीं, भीम और द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भी बंधे हैं, अन्न खाए ना, तुम्हारा पाप का अन्न खाए इसलिए वो बंधे। ये बोल करके वो जो कृत्या होती फिर से दुर्योधन को ले जा करके वहां पे लेटा देती है। दुर्योधन को ऐसा लगता है कि वो स्वप्न देख रहा होता है पर उसको समझ में आ जाता है कि मैं किस विशेष पर्पज के लिए बनाया गया हूं। और जब उसको इस चीज का ज्ञात हो जाता है वो क्या करता है, वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं आमरण अनशन नहीं करूंगा। तो देख रहे यहाँ पे एक विशेष चीज है कि जब व्यक्ति को अपने जीवन का पर्पस पता चल जाता है ना, आदमी तभी तक सुसाइड या ये सब चीज भी करने का प्रयास करता है जब उसको लगता है कि ये जीवन निरर्थक है। ये चीज हम सीख सकते हैं दुर्योधन से कि जीवन में अगर हमको पर्पस पता है कि क्या जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जो कि आज के हमको पता ही नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज
इसी पर्पज को समझने के लिए धर्मशास्त्र और ऐसे धर्मात्माओं के साथ रह करके विस्टम वो ज्ञान लिया। क्यों ज्ञान लिया? ताकि जुडिशियस डिसीजन ले सके। कई बार क्योंकि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो धर्म के बारे में इस पर जानता हो, चलो होता नहीं है, लेकिन कोई अगर धर्म के बारे में आपको जैसे कोई प्रवचन कर रहा है फिर भी हम सुनते भी नहीं है। क्यों? Somehow अदर कलयुग में इतना मतलब कि हो गया है कि अगर कोई धर्म की बात करता है आप नहीं सुनोगे। कोई हाँ मनोरंजन का बात करें, एंटरटेनमेंट दे, हर व्यक्ति आज धर्म में भी एंटरटेनमेंट खोज रहा होता है। आप देखोगे, इट इज फैक्ट, आई एम टेलिंग यू मैं ब्लंटली ट्रुथ, मैं आपको डायरेक्ट ट्रुथ बता रहा हूँ, शायद आपको दुख भी लगेगा लेकिन सही बात है। कई बार हम मंदिरों में या शास्त्र का अध्ययन में भी मनोरंजन ढूंढ रहे होते हैं, अरे कुछ मजा आ जाए प्रभु जी, कुछ तो मजा दीजिए। सॉरी शास्त्र आपको मजा, हाँ कभी कभी मजा आ गया ठीक है, लेकिन मजा के लिए नहीं है शास्त्र, मजा के लिए नहीं है शास्त्र। आपको बताना चाह रहा है कि धर्म क्या है, पर्पस क्या है लाइफ का। जैसे ये पर्पस है इस बोर्ड का क्या लिखना, इस पर्पस है इस मोबाइल का क्या करना, बात कराना, कम्युनिकेशन, और अगर वीडियो है तो वीडियो कम्युनिकेशन कराना है इस तरीके से। इस टेबल का पर्पस है इस पे पुस्तक रखना, ये फैन का पर्पस है हवा देना। लेकिन अगर पर्पस नहीं पता होगा तो फिर हम क्या होगा, हमको लगेगा कि ये लाइफ यूजलेस है, खाओ पियो मौज करो, जैसे लोग बोलते ना हु नोज व्हाट विल हैपन टुमारो, एंजॉय बिफोर द आइस मेल्ट, मतलब मौज करो जब तक, यह जीवन तो आइसक्रीम जैसा है, जब पिघल जाए उससे पहले मौज करके निकल जाओ। लेकिन उनको पता नहीं कि ये जीवन आइसक्रीम नहीं, हमारे शास्त्र कहते ये जीवन कैंडल है, दिया है, जल करके दूसरों को जला दो, जल करके दूसरों को लाइटनिंग दो, इनलाइटनमेंट दो, ज्ञान से प्रकाशित करो। तो खैर ये वेस्टर्न कल्चर के कारण ऐसा हो गया है कि हमें ये पता भी नहीं चलता, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ये डिसीजन जो होता है वो राइटफुल लें। कई बार राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि राइट मूव। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ, एक चींटी है, आज मैं सुबह ही देख रहा था, चींटी क्या होता है, छोटा छोटा चींटी सारे समूह मिल करके चीनी का अगर दाना है तो उसको एक बार ले करके जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी बार आपने ध्यान दिया होगा कि अगर शक्कर चीनी ज्यादा गिरा हो, अगर चींटी जो होता है कई बार इतना मोह में हो जाता है, क्या मोह में हो जाता है, उस चीनी के दाने में, उस चीनी के क्यूब में उसको इतना आनंद आने लगता है वो भूल जाता है कुछ चीज, और उस कारण से मृत्यु भी हो जाता है कई बार वो चीनी के बोरे में भी, देखा होगा आपने। क्यों? आसक्ति होने के कारण वो मूव नहीं कर पाता है, राइट मूव नहीं कर पाता है। उसी तरीके से जीवन में कई बार हम लोग मूव नहीं कर पाते हैं, इतना बंद जाते हैं या फंस जाते हैं चींटी की तरह कि वो निकल नहीं पाते हैं उस सिचुएशन से। और उससे निकलने के लिए जब हमारे पास विजडम होगा, सही समझ होगा और ऐसे लोग होंगे जो निकाल सके, तभी हम निकल पाएंगे। इसमें बहुत जरूरी है कि हमारे पास भी थॉम मेरिसी जैसा पुरोहित या कोई आचार्य हमारे जीवन में जो हमको प्रैक्टिकल गाइडेंस दे सके वो होना चाहिए। तो जब दुर्योधन को ये पता चल जाता है कि ये तो मेरा पर्पस है, ठीक है, तो वो आमरण अनशन बंद कर देता है। कर्ण भी आ जाता है और कर्ण क्या बोलने लग जाता है, कर्ण करता है, हाँ कर्ण फिर बोलते है कि बहुत अच्छा किया तुमने, चलो अब हम लोग चलते हस्तिनापुर, और ये सब हस्तिनापुर चलने लगते हैं। हस्तिनापुर में पहुंच करके भीष्म पितामह वो कहते हैं सुनो दुर्योधन, बहुत सही चीज बोलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता ना सही वचनों को सुनने का हमारा आदत नहीं होता है। तो क्या होता है, भीष्म सही बोलते हैं, कहते हैं देखो दुर्योधन, जिसके बदौलत जिसके दम पर तुम युद्ध करना चाहते हो ना पांडव से, किसके दम पर वो युद्ध करना चाहता है, कर्ण के, वही कर्ण जब तुम्हारा विपत्ति में पड़ गया, गंधर्वों को वो हरा नहीं पाया, वो भाग गया। और कहते हैं कि अभी भी समय है, संधि कर लो पांडवों के साथ, मिलाप कर लो, कुछ नहीं बिगड़ा है। ये बोल करके भीष्म पितामह चले जाते हैं। इधर कर्ण का देखिए,
कितना मतलब कि मेरे को आश्चर्य होता है कि कैसे ये सब चीज दिखाया नहीं गया। कर्ण की बोलता है, क्या बोलता है दुर्योधन को, कहता है कि सुनो दुर्योधन, ये जो भीष्म है, भीष्म की निष्ठा पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये भीष्म जो है वो हमेशा तुम्हारी निंदा करता है, वो तुम्हारी निंदा करता है, इससे मेरे को दुख होता है। देख रहे हो क्या कपट है। निंदा दुर्योधन का कुछ किए थे नहीं, किए किसका था, कर्ण का। लेकिन ऐसे कपटी लोग कर्ण जैसे, वो क्या कहते कि हम तो तुम्हारे वास्तव में शुभ चिंतक हैं, वो तुम्हारा निंदा कर रहे थे और तुम्हारा निंदा करते करते मेरा भी निंदा करने लग गए, इसलिए मेरे को बहुत दुख हो रहा है। जैसे बहुत से लोग कहते कि अरे अरे आपके साथ इतना गलत किया गया। अब मनी मन वो उनके साथ गलत हुआ होता है, लेकिन वो कहते कि आप उत्तेजित करना, जैसे होता है ना किसी को एक्साइट करना, तो उत्तेजित कर रहा था दुर्योधन के तुम बदला लो, ठीक है ना। देखो मतलब कि उसके निष्ठा पे क्वेश्चन उठवा रहे। तो ऐसे कर्ण जैसे लोग आज भी समाज में हैं जो कि आपको उत्तेजित करेंगे किसी के प्रति, ठीक है। तो कर्ण कहता है और क्या वचन देता है, क्योंकि अभी उसके सही में क्वेश्चन उठा दिया गया फेलियर पे। तो ऐसे लोग अपना फेलियर को छिपाने के लिए क्या करेंगे, कहता है मैं दिग्विजय, जैसे अर्जुन ने राजसूय यज्ञ करने से पहले पूरा दिग्विजय किया था, मैं भी प्रण लेता हूं। किसको कहता है दुर्योधन को, मैं सारे भारतवर्ष में दिग्विजय हो करके आऊंगा और सभी को से स्वर्ण की मुद्राएं लेकर के तुम्हारे चरणों में डालूंगा। यहां पे एक चीज हम देखने समझ में आता है, जैसे होता है ना क्रिकेट के, अगर क्रिकेट से समझे, कोई बैट्समैन को वर्ल्ड कप के फाइनल में उस समय प्रदर्शन करना था और उस समय प्रदर्शन ना करके जीरो पे आउट हो जाता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और वो उसको हटाने के लिए कोई ऐसे ही ओडीआई इंटरनेशनल मैच में वो क्या करता है, मान लो 200 रन में बना देता अगले ही मैच में, ठीक है मार दिया, लेकिन क्या वो प्रेशर में मार पाया था, नहीं। हाँ वो 200 रन भी मार दिया, अच्छा है, अच्छा चीज है, लेकिन जब उस टीम को जरूरत थी, जब उस समय वो उस समय प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया और वो जिता नहीं पाया, उसी तरीके का ये कर्ण भी है। जब प्रेशर आता है या जब, क्योंकि लाइफ में हर समय हमारे हम जैसा सोचते वैसा होगा नहीं, तो ऐसे डायनेमिक सिचुएशन में एक्ट करना ये कर्ण को नहीं आता था, और ये कर्ण को ना आने की वजह से वो हमेशा हार जाता था ऐसे सिचुएशन में। और हाँ अभी क्योंकि अब वो प्रिपेयर करके जा रहा है, तो जैसे साधारण मैच है तो वो जाता है और पूरा सही में पूरा भारतवर्ष में दिग्विजय प्राप्त कर लेता है। तो इन प्रसंगों को देख करके लोग प्रश्न करते हैं कि देखो कर्ण कितना महान धनुर्धर था, अर्जुन जैसा महान धनुर्धर था, पर मेरा प्रश्न है कि हमको ये देखना होगा कि आप एग्जीबिशन मैच में परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हो या जब रियल बैटल आता है तब आप परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हो, दैट इज द पॉइंट। वो आपको निर्णय करना होगा कि किस सिचुएशन में कब कौन कितना अच्छे से डिसीजन ले पाता है। इट डिपेंड्स ऑन कि कितना मतलब कि अनसर्टेनिटी में आप एकदम अलर्टनेस और रेडीनेस के साथ डिसीजन लेते हो। वो अर्जुन में था, वो कर्ण में नहीं हो। तो जब ये होने के बाद कर्ण जाता है, पूरा दिग्विजय प्राप्त कर लेता है, फिर उसका हस्तिनापुर में स्वागत किया जाता है। हस्तिनापुर में स्वागत करने के बाद वो स्वर्ण की सारी मुद्राएं ला करके इसको दे देता है दुर्योधन को, और फिर दुर्योधन को कहता है कि हमें वैश्य यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि उसके हमेशा दिमाग में क्या रहता है, कंपटीशन की भावना, किससे, पांडवों से। तो ये सोच करके दुर्योधन भी कहता है, ब्राह्मणों को बुला करके कहता है, क्योंकि कर्ण को तो पता नहीं है, धर्म का तो ज्ञान है नहीं, ठीक है। तो वो बोलता है कि राजसूय यज्ञ करने के लिए, दुर्योधन भी ब्राह्मणों को कहते हैं राजसूय यज्ञ करने के लिए। ब्राह्मण देवता लोग कहते हैं सुनो दुर्योधन, दो कारणों से तुम राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। पहला कारण क्योंकि तुम्हारे भ्राता युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया हुआ है और वो अभी जीवित है, इसलिए तुम राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। दूसरा कारण तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र भी अभी जीवित हैं, इसलिए भी तुम राजसूय यज्ञ करने के लिए सही नहीं हो।
तो फिर वो क्या करे, तो कहते कि मैं तुमको एक दूसरा यज्ञ बताता हूं जो कि राजसूय यज्ञ के समान है, जिसको स्वयं भगवान विष्णु के अलावा आज तक किसी ने नहीं किया, वो है वैष्णव यज्ञ। वो भी सभी फलों को प्रदान करने वाला होता है राजसूय यज्ञ जैसा। तो राजसूय यज्ञ के जैसा वैष्णव यज्ञ की तैयारी होने लगती है। वैष्णव यज्ञ की तैयारी होने के बाद दुर्योधन, देखो यहाँ पे अलग है, दुर्योधन भेजता है किसको आमंत्रित करने के लिए, युधिष्ठिर को। और युधिष्ठिर को आमंत्रित करने के लिए कहता है कि उनको बोलिए कि हमारे पास आए, हम राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। उस कई बार एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे सोसाइटी का नाम रखा है कॉन्शियसनेस ना करके एक्शन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना। हमारा भावना क्या है किसी कार्य करने के, सिर्फ कार्य ही मैटर नहीं करता है। दुर्योधन कोई अच्छे भावना से नहीं बोला था युधिष्ठिर को, और उसका मकसद ये नहीं था कि वो यज्ञ में आए। ये युधिष्ठिर महाराज अब बेवकूफ थोड़ी ना थे, उन्होंने भी कहा कि बोल देना, युधिष्ठिर बोले दुर्योधन को जो दूत को भेजे थे, कह देना कि दुर्योधन से कि मेरे को बहुत सुनकर अच्छा लग रहा है कि वो वैष्णव यज्ञ कर रहा है, लेकिन उससे ये कह देना कि मैं अभी 13 साल के धर्म के कारण बंधा हुआ हूँ, मैं यज्ञ में नहीं आ सकता। और भीम भी कहता जाकर उस दुर्योधन से कह देना कि अब यज्ञ में नहीं रण में मिलेंगे, और वो भी अस्त्र शस्त्र के साथ। एक और चीज अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, अरे वाह दुर्योधन कितना अच्छा है, यज्ञ कर रहा है, ब्राह्मणों का सत्कार कर रहा है, सुधर गया है क्या। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो दुर्योधन के जीवन से सीखते हैं, और खास करके इस आधुनिक समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमको भी लगता है कि देखो कार्य देखने पहले दुर्योधन का ही अगर जीवन में देखें, तो दुर्योधन से ही अगर हम देखने का प्रयास करें तो दुर्योधन इतना यज्ञ कर रहा है, ब्राह्मणों का सत्कार कर रहा है, लेकिन क्या उसका जो आचरण में चेंजेस आया, नहीं। वो अभी भी इमोरली अनैतिक पूर्वक कार्य करता है, और किसी प्रकार से वो वॉयलेंट या मतलब सत्ता का अधिकार हमेशा लेने का प्रयास करता है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि अरे प्रभु जी इतना धर्म करने पर भी लोग मतलब इतना अत्याचार, वो तीर्थ पे जाता है, वो नाम भी जप करता है या भगवान के मंदिर भी जाता है, फिर भी हम देखते हैं वो चोरी चमारी या कपट में लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे हमको समझने यही साथ हमको समझाता है, हम किस माध्यम से मंदिर जा रहे हैं, किस माध्यम से हम चेतन, किस चेतना में हम भगवान का जप कर रहे हैं। कई बार हम जाते हैं मंदिर, सोचते हैं 1 घंटा तो हमने जप कर लिया या मंदिर चले गए, लेकिन बाकी का 22-23 घंटा में हम सिर्फ क्या सोचते, भौतिक ये चीज चाहिए, ये चीज हड़प ले, उसका ये हड़प ले। तो क्या वो हमारा सही में हम भगवान के भक्त हुए, हमको ये सोचना चाहिए। कई बार हम लोग बोलते ना कि वो भौतिकवादी है, तो हम सोचते हैं हम भौतिकवादी नहीं है, कोई बाहर वाला जो भगवान को नहीं मानता है। पर हमें भी ये सोचना चाहिए क्या हम भी सही में भगवान के भक्त हुए हैं, ये प्रश्न है हमें अपने से पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे कार्य हमें देखना चाहिए क्या सही में कृष्ण को प्रसन्न करने वाले होते हैं, या सिर्फ और सिर्फ हम दिखावा के लिए भक्ति का ढोंग कर रहे हैं। जैसे दुर्योधन कि भले ही वो दिखा रहा है ब्राह्मणों का सत्कार कर रहा है, यज्ञ कर रहा, पर पीछे क्या है सत्ता हड़पने का। उसी तरीके से कई बार इसलिए कहते ना कि हमारी सोच भले ही भगवान के प्रति हो सकती है, लेकिन हमारे कार्य भगवान के जैसे प्रति नहीं होते हैं। हमारे कार्य और सोच में जब दोनों में अलग दिखता है, तब वहीं पे आता है हमारा ढोंगीपन, पाखंडीपन। और हम ऐसे देखते हैं कई तथा कथित साधु जो अपने जीवन में बहुत बोलते तो हैं कि ये चीज अच्छा है, वो चीज अच्छा है, लेकिन अपने जीवन में उस चीज का आचरण नहीं करते। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे जो सही में साधु है उसके आचरणों से भी देखो वो आचरण में क्या करता है, वो जो बोलता है वो शास्त्र के अनुसार है कि नहीं, उसके आचरण शास्त्र के अनुसार है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। आचार्य का मतलब है वो अपने जीवन में आचरण से उस चीजों को समझाए या दिखाए।
नहीं तो फिर कहने के लिए तो बहुत ये पीएचडी स्कॉलर बहुत चीज हम कर सकते हैं, फिर भी हमारा मन दुर्योधन के जैसा खोखला रह जाएगा। ये चीज होने के बाद जब वो वैष्णव यज्ञ कर लेता है, संपन्न हो जाता है, और फिर लोग देखो उसका यज्ञ करने का चर्च, देखो कई बार हम कुछ करते हैं ना, हम धर्म किस लिए कर रहे होते हैं? दूसरों को दिखाने के लिए। बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किस लिए कर रहे होते हैं? दूसरे तारीफ करें, आ हा हा क्या प्रभु जी क्या आपने यज्ञ किया, लेक्चर दिया, क्या सुंदर कथन किया प्रभु जी, आ हा आनंद आ गया। और वो सोच करके हम कीर्तन करते हैं या यज्ञ करते हैं या लेक्चर देते, कुछ भी भगवान का जप भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन उठ जाता है। देखो अगर उसका चेतना अच्छा होता वैष्णव यज्ञ करने का तो वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होता। जब उसने सुना हस्तिनापुर के लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे कि हाँ बहुत अच्छा यज्ञ, कुछ लोग कह रहे अरे नहीं नहीं रासु यज्ञ जैसा नहीं था, अरे युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया वो बात क्या था, ये सुन करके दुर्योधन के मन में क्या आता है, उसको सही में लगता है कि सही में लग रहा है मैंने अच्छा यज्ञ नहीं किया, तो वो मन में प्रतिशोध लेने लगता है कि मैं रासु यज्ञ अब करना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं पांडवों को 13 वर्ष के बाद युद्ध में मार गिराऊंगा। देख रहे यज्ञ करने की इच्छा क्या थी, आज तो हमें यज्ञ किसके लिए करना चाहिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जैसे आज भद्र पूर्णिमा के दिन विशेष हमारे भी भक्तों ने यज्ञ किया भागवत के प्रति, तो वो होना चाहिए कि भगवान कैसे प्रसन्न हो। देखो उसका चेतना क्या, इसीलिए हमारे शिल प्रभुपाद जी ने, कितना महान है हमारे आचार्य शिल प्रभुपाद जी कि इस अपने संस्था का नाम भी कृष्ण भावना मृत रखा, कि भावना क्या है, तुम किस भावना में कोई कार्य कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कृष्णा भावग्राही जनार्दन है, वो भले ही दुनिया वाले ना जाने के किस भाव में आप कार्य कर रहे हो, भगवान सब जानते हैं कि किस भावना में हम रह करके कौन सा कार्य कर रहे हैं। इसीलिए भगवान हमेशा हमें सही समय पे सही निर्णय देते हैं, वो आज हम देखेंगे भी क्या चीज है। तो जब ये चीज हो जाता है तो सत्कार मतलब वैष्णव यज्ञ, तो फिर वो प्रण लेता है कि मैं तो अब वो कौन सा रासु यज्ञ करना चाहता हूँ, और रासु यज्ञ करके मैं क्या करना चाहता हूँ, युद्ध में इन लोगों को मार गिराना चाहता हूँ। तो कर्ण भी उसी का मित्र है, वो भी बढ़ चढ़ के बोला कि सुनो मित्र दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक अर्जुन को मैं मार नहीं गिराऊंगा युद्ध में, तब तक मैं अपने पैर नहीं धुलवाऊंगा। सोचो पैर भी धुलवाता था, खैर राजा था अंग देश का तो पैर धुलवा सकता था, तो कहा कि मैं अपने पैर किसी से नहीं धुलवाऊंगा जब तक कि अर्जुन को वध नहीं कर दूंगा। और ये सुनकर के दुर्योधन और फूल जाता है, कहता अब हम इंतजार करेंगे कैसे इसको मार गिराया जा सके। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया युधिष्ठिर महाराज के कैरेक्टर से, युधिष्ठिर महाराज साधु संतों का जब संग लेने लग गए, हम देखते भी हैं कि हर एक साधु उसके पास जाते हैं, और बृहदस्व के किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि प्रभु जी क्या गलत है गैम्बलिंग खेलना, जब जुआ खेलना गलत है तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने जुआ फिर सीखा क्यों, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल कस्टम उस समय का कुछ और था, और हाँ सही में ये जुआ बहुत भयंकर चीज है, गलत भी है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इसी वेद में राजा को द्यूत में भी निपुणता होना चाहिए। क्यों, मैं आपको एक उदाहरण के देखो कितना मतलब प्रैक्टिकल है महाभारत। जब युद्ध हो रहा होता है ना, जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेट गए होते हैं, द्रोणाचार्य कमांडर इन चीफ सेनापति होते हैं, दुर्योधन एक दिन कहता है द्रोणाचार्य को कि आप आचार्य मेरे लिए क्या करिएगा, युधिष्ठिर को जिंदा पकड़िएगा, वो हम देखेंगे जब वो आएगा प्रसंग, जिंदा पकड़िएगा। द्रोणाचार्य कहते हैं अरे तुमको जिंदा क्यों चाहिए युधिष्ठिर, कहते हैं कि मेरे को युधिष्ठिर इसलिए जिंदा चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि युधिष्ठिर को जिंदा लाने, जिंदा पकड़ने के बाद उसको मैं फिर से द्यूत खिलाऊंगा।
और फिर से दूध खिलाने में मैं उसको विवश करके उसका फिर सब कुछ हड़प लूंगा। देखो क्या है ना, जो कपटी लोग होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, वो दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। आपके एक प्रवचन से या आपके एक चीज से कोई किसी का नेचर चेंज नहीं होता है, ये समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। वो दुष्टता उसका नहीं जाएगा, उसको कपट में ही आनंद आता है। दुर्योधन और शकुनी को कि कपट से कोई चीज छीन करके हड़पना है, हड़प के लेना में उसको आनंद आ रहा है, उसको युद्ध करके भी आनंद नहीं आ रहा, वो हड़प के लेना चाहता था। तो सोचो अगर उस समय ऐसा हो जाता, मान लो हो जाता और युधिष्ठिर महाराज फिर से जुआ खेलने पे बैठ जाते तो फिर से हार जाते हैं, ये हो सकता था ना। लेकिन अभी युधिष्ठिर महाराज तो पहले जैसे थे नहीं, इसीलिए व्यक्ति को हर सिचुएशन में के लिए तैयार रहना चाहिए। अर्जुन के लाइफ में भी देखते हैं, अर्जुन ने पाशुपात अस्त्र सीखा किससे? शिव जी से लिया। अंजना अस्त्र सीखा, अंजन अस्त्र किससे? पार्वती माता से। और चित्रसेन गंधर्व से नृत्य करना भी सीखा। कोई कहेगा अरे इतना बड़ा धनुर्धर नृत्य क्यों सीख रहा है? क्योंकि उसको जरूरत पड़ेगा 13वें साल में। इसलिए लाइफ में कब क्या जरूरत पड़ जाएगा कोई गुरु, क्योंकि इंद्र ने कहा था, इंद्र जानते थे कि इसको जरूरत पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कहा जाओ सीखो। इसलिए कभी कोई बड़ा कोई गुरुजन अगर कोई कुछ बोलता है, मेरे को आज भी याद है, ये कितना सत्य है मेरे को नहीं पता, लेकिन आज भी लोग ऐसा बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने जय पताका महाराज को कहा था कि एक बार के खूब खाओ पियो। और जय पताका महाराज अगर आप देखेंगे पहले तो थोड़े से हेल्दी बॉडी था उनका, और कौन जानता था कि उनके ऊपर ऐसे कोई प्रहार होगा जिससे गर्दन पे उन पे प्रहार होगा। और डॉक्टर कहते हैं कि अगर उनकी जो मांस इतना नहीं होता, शरीर इतना फूला नहीं होता, तो आज शायद वो भगवत धाम उसी समय चले गए होते हैं। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी ने, देखो ये होता है गुरु की वाणी, वो खेल खेल में भी जो बोलते हैं ना, वो वेद वाक्य होता है। इसलिए जब गुरु कुछ बोल रहे होते हैं ना, तो उस समय शास्त्र कहता है कान को एकदम ऐसे करना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि जो गुरु बोल रहा है हो सकता है वो, इसीलिए धर्म इतना सूक्ष्म है, धर्म इतना गुह्यम है। इस चीज को समझने के लिए हमारे बुद्धि के परे है, खास करके गुरु की वाणी को समझने के लिए। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज जब बृहदश्व ने कहा कि मैं तुमको द्यूत सिखाऊंगा जिससे कि तुम शकुनी जैसे, मैं तुमको वचन देता हूँ, बृहदश्व कहते हैं शकुनी जैसे, क्या हुआ आ नहीं रहे? नहीं, ये थोड़ा अटक रहा है। अच्छा, अभी ठीक है ना? हरे कृष्ण। तो शकुनी जैसे कपटी जो द्यूत क्रीड़ा में नंबर वन है, उससे भी मैं तुमको अव्वल बनाऊंगा। और युधिष्ठिर महाराज ने समझ गया कि कहीं फ्यूचर में जरूरत पड़ सकता है, फिर से कपट के लिए बुला सकते हैं, इसलिए वो सीख करके तैयार थे। और अगर इस बार बुलाता दुर्योधन तो युधिष्ठिर महाराज हारते नहीं, हरा देते हैं। खैर वो जो हुआ नहीं, क्योंकि वो गलत चीज़ है, तो इसलिए भगवान नहीं भी चाहते थे उस तरीके से को, तो ये जो चीज़ था। लेकिन मैं ये चीज़ बता रहा था इससे कि सीखने का कि रेडी फॉर, ये है पांडव हर समय तत्परता, क्योंकि ये भौतिक जगत इतना आसान नहीं है जहाँ सब कुछ एकदम मक्खन जैसा आपको रोड मिलेगा। तो ये चीज़ था। तो इसके बाद जब ये हो जाता है, इधर क्या होता है, द्वैत वन में जब वो लोग रह रहे होते हैं, तो सारे पशु पक्षी आकर के कहते हैं युधिष्ठिर से कि सुनो युधिष्ठिर, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि क्षत्रिय का धर्म होता है हिंसा करके, मतलब कि हिंसक पशुओं का वध करना, लेकिन आप लोग कुछ दिन ज्यादा ही रह जाने से क्या होगा ना, ये वन जो है जंगल वो खत्म होने लगेगा, स्वाभाविक है। वृंदावन में अगर लोग ज्यादा होंगे तो वहां पे वन चला ही जाएगा, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, कितनों भी आप संग्रह कर लीजिए। जैसे ही जहाँ पे ज्यादा आबादी होगा वहां पे वन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इसलिए वहां से उठ करके युधिष्ठिर महाराज काम्य वन में आते हैं, और काम्य वन में आकर के वो एक दिन चिंता करने लगते हैं। 11 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन वो चिंता करने लगते हैं और रोने लगते हैं और सोचते हैं कि मेरी वजह से मेरे भाई और मेरी पत्नी को इतना दुख झेलना पड़ रहा है द्रौपदी को। तो जब वो ये सोच रहे होते हैं उसी समय व्यास देव प्रकट हो जाते हैं। व्यास देव वहां पे आए होते हैं। अभी देखो व्यास देव कौन है, महामुनि कृते हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे, विष्णु के अवतार हैं और अनासक्त हैं।
तिलकालदर्शी हैं, भगवान स्वयं विष्णु हैं, लेकिन यही चीज है। इसलिए जब हम धर्म शास्त्र नहीं पढ़ते तो हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, अरे साधु का तो हृदय पत्थर का जैसा होता है, साधु तो पत्थर दिल वाला होता है, साधु के हृदय में तो हृदय होता ही नहीं, ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं। जाके पढ़िएगा, व्यास देव रोने लग जाते हैं इनके दुख को देख करके। क्यों? व्यास देव अनासक्त हैं लेकिन संवेदनशील भी हैं, संवेदना है, वेदना से ही वेद का उत्पन्न होता है। जब वेदना ही नहीं रहेगा तो वेद नहीं समझ पाएंगे। उसी तरीके से व्यास देव को पता है कि क्या पता है, वो संवेदनशील, हाँ दुख में है ये मेरे जो भी हैं युधिष्ठिर पांडव इतने धर्म राज हैं, दुख में हैं, तो अनासक्त हैं, लेकिन फिर भी करुणा के कारण वो रो पड़ते हैं। और रोने के बाद वो बहुत सुंदर वचन बताते हैं, ये जा करके आप पढ़ सकते हैं, बहुत ये आपका टू फिफ्टी नाइन चैप्टर के 14 और 16 वर्स तक है। इसमें व्यास जी भौतिक जगत के द्वंद के बारे में बात करते हैं कि ये जगत जो है ये द्वंद है, यहाँ कभी खुशी और कभी गम आएगा ही। युधिष्ठिर तुम जो सुख आए तो सुख में अनासक्त हुए उसका भोग करो। अनासक्त और त्याग में अंतर है। इसका अंतर कैसे आप समझ सकते हो? जैसे मान लो आपको आज पता चला रसगुल्ला बट रहा है, ठीक है, और त्याग का मतलब क्या होता है कि कोई भी रसगुल्ला नहीं खाना, ठीक है, लेकिन संभव अगर हमारा टेस्ट तो जाता नहीं है रसगुल्ला खाने का, तो किसी दिन रोकते 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 क्या होगा, एक दिन आप 20 रसगुल्ला खा लोगे और पेट खराब हो जाएगा। अनासक्त का कहने का मतलब होता है सुख का अनासक्त कैसे भोग करो, रसगुल्ला बट रहा है एक दो खा लो और उसमें आसक्ति मत रखो। समझ रहे? अंतर है अनासक्त और त्याग में। त्याग जो होता है वो बाह्य रूप से होता है, अंदर से नहीं हो पाता है। अनासक्त जब हम रहते हैं तो हम एक दो खाएंगे, हम जानते हैं कि हाँ अभी भी मन करता है, लेकिन अनासक्त में क्या होता है, हम सिर्फ एक ही दो खाते हैं, ये होता है इंद्रिय संयम। ये व्यासदेव कह रहे हैं और कहते हैं दुख को धीरता पूर्वक सहते जाओ क्योंकि ये भौतिक जगत द्वंद का है। और याद रखो ये मनुष्य जीवन का धर्मी है भगवान कृष्ण की प्राप्त करना। तो जब तुम इन दोनों में सम रहोगे और ऐसे अपने कार्य में अपने स्वधर्म में लगे रहोगे तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। नहीं तो अगर ज्यादा दुख में दुखी हो जाओगे और ज्यादा सुख में सुखी हो जाओगे, इम्बैलेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा, तुम योग के पथ पे नहीं चल पाओगे और भ्रष्ट होकर के अधर्म का रास्ता अपना लोगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम चलते रहो धर्म के मार्ग में। खैर समय बहुत हो रहा है, दो कहानी जो मेन है अब जो हम सुनाने वाले हैं, खास करके बहुत ही विशेष प्रश्न फिर पूछते हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि भगवान व्यास देव, देखिएगा ध्यान दीजिएगा कौन पूछ रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। युधिष्ठिर महाराज एक गृहस्थ हैं इसलिए वो पूछ रहे हैं, ब्राह्मण नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं, तपस्या महान है या दान महान है? क्या पूछ रहे हैं, तपस्या महान है या दान महान है? खास करके जो धन का दान है वो महान है, क्या आपको लगता है? व्यास देव कहते हैं सुनो युधिष्ठिर, मेरे नजर में गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा धर्म है वो क्या है, दान का धर्म है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि लोग जो होते हैं दूर प्रदेश जाते हैं किसके लिए, व्यापार करने के लिए, उससे धन कमाते हैं। किसान भी बहुत मेहनत करता है, अनाज उत्पन्न करता है, फिर उससे धन प्राप्त करता है, और वो धन जो अपने खून पसीने से कमाया हुआ होता है उसको दान देने में सही में उसकी हालत खराब हो जाती है। इसीलिए मनी इज हनी कहते हैं, मधु जैसा होता है। इसीलिए आप देखोगे हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, खैर ये मेरा सोचना है, ऐसा किसी आचार्यों ने नहीं कहा है, मैं सोच रहा था कि महाप्रभु ने क्यों पहले बोला ना धनम ना जनम ना सुंदरिम, ना धनम सबसे पहले, क्योंकि धन का दान देना सही में बहुत मुश्किल होता है।
अच्छे अच्छे लोग भी धन का दान नहीं दे पाते हैं। जब तक प्रवृत्ति नहीं आएगी, मैं ऐसे सुन रहा था, पता नहीं मेरे को कितना ये सत्य है, गुरु गोविंद सिंह जी जब अपने दुश्मनों को मारते भी थे तो जो बाण होता था वो बाण के आगे वो स्वर्ण का लगा के रखते थे और उससे वो मारते थे। क्यों? वो स्वर्ण के मतलब कि वो तीर जो आगे स्वर्ण का बना करके क्यों मारते थे, कहते थे अगर वो मर जाए तो उसका क्रिया कर्म करने के लिए उसके परिवार के पास वो सोना बेच करके धन रहे जिससे वो क्रिया कर्म कर सके, और अगर वो जीवित भी रह जाए तो उससे भी वो इलाज कर सके। यानी मारते वक्त भी उनका ध्यान किसमें था कि दान करना है। ऐसे ऐसे हमारे पूर्वज हुए हैं, क्योंकि इसलिए मैं बोल दिया क्योंकि कल से पितर पक्ष स्टार्ट है और प्रसंग लेंगे अभी जो हम कहानी बताने वाले हैं कि पूर्वजों के प्रति ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता होना चाहिए, पितृ क्योंकि ऋण भी है, भले ही हम भगवान के भक्त हैं लेकिन फिर भी कृतज्ञता हमेशा सबके, क्योंकि हमारे जीवन में ये सनातन धर्म है, यहाँ तोड़ करके जोड़ना नहीं होता है, यहाँ जोड़ते जोड़ते सबको जोड़ना होता है। यहाँ पे हम भगवान कृष्ण को, हम ये नहीं कहते कि हम मत भगवान को मानते बाकी से कोई मतलब नहीं, वो फिर कनिष्ठ अधिकारी है। यहाँ पे सबको माता पिता पूर्वजों आचार्यों और भगवान के सभी देवी देवताओं को लेते हुए हम भगवान के प्रति आश्रय लेते हैं, जैसे कि पांडव लोगों ने लिया। तो जब ये बताते हैं तो फिर एक प्रसंग सुनाते, एक कथा सुनाते हैं व्यासदेव दान के इस महिमा के ऊपर, और क्या कथा होता है मुद्गल ऋषि का। मुद्गल ऋषि भरत वंश में ही आते हैं, पर वो क्षत्रिय होने के बावजूद, राजा के पुत्र होने के बावजूद भी क्या बन जाते हैं, एक ऋषि का निवृत्त करने लगते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, इसके पीछे लॉजिक है। देखो एक सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं। एक डॉक्टर है, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है, सक्षम है, लेकिन वो आपसे अच्छे मुंह बात नहीं करता, वो हमेशा टेढ़ा मुंह बात करता है, ठीक है। एक डॉक्टर ये है, मान लो उस डॉक्टर का नाम ए है, और एक डॉक्टर बी है, वो भी कॉम्पिटेंट है, वो बहुत सुंदर अच्छा बात करता है, और प्रभु जी है, बहुत मीठा बात करता है, लेकिन वो इतना सक्षम नहीं है। अगर वो सर्जरी करता है तो 10 में से 6 सक्सेसफुल होता है, 4 अनसक्सेसफुल होता है। आप किसके पास जाना चाहोगे, ए या बी के पास? ए के पास ही, मोस्ट ऑफ द, भले हम बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, ए के पास। क्यों? क्योंकि वो सक्षम है सर्जरी डॉक्टर में। कहने का मतलब है हमको जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम उसी चीज के उसी फील्ड में जो उसमें एक्सपर्ट है उससे सलाह लेते हैं या उसी को जानते हैं। ये जो मुद्गल ऋषि थे वो जानते थे मैं राज्य सक्षमता से नहीं कर सकता, मेरा वो नेचर नहीं है, इसलिए वो बैक स्टेप लेकर के वो पीछे चले जाते हैं और कहते हैं मैं ऋषि का कार्य करूंगा। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत जरूरी है, कई बार हमको खुद समझ में आना चाहिए कि हमें क्या कार्य करना है। तो वो जो मुद्गल ऋषि होते हैं वो कैसे अपना जीवन का निवृत्ति कर रहे होते हैं, वो मतलब बहुत ही जैसे जो धान होता है ना, जो धान को काटते वक्त जो उसका हस्क जो होता है ना, जैसे धान में जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, भूसी, हाँ भूसी, वो जो उसको बेच करके, या जब किसान जो धान को मतलब कि बेचते हैं उस समय जो थोड़ा बहुत गिर जाता है उसको बेच करके अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, और ऐसा जीवन निर्वाह करने पर भी 15 दिन में एक बार खाते हैं और स्वयं नहीं परिवार भी खाते हैं। अब लोग इस पे प्रश्न करेंगे, खास करके लिबरल लोग, अरे देखो पत्नी के ऊपर अत्याचार किया, परिवार के ऊपर अत्याचार किया, अरे उनसे भी तो जाके पूछो ना, तुम काहे अपना जस्टिस दे रहे हो, तुम अपना एक जैसे एक किसी ने बोला, एक प्रभु जी थे, प्रभु जी ने मतलब एक लड़का था वो बोल रहा था, प्रभु जी मतलब उसका उम्र था शायद 16 वर्ष, ठीक है 10वीं में पढ़ता था, वो बोला प्रभु जी मैं मतलब कि ये करता हूँ एकादशी का व्रत करता हूँ, मतलब कि निर्जल होगी। मैंने कहा बहुत अच्छा बात है, तो कह मैंने पूछा क्या फोर्सफुली, नहीं कहा प्रभु जी मेरे को अच्छा लगता है। उसके मित्र लोग कहने लग गए हैं कि अरे एकादशी का व्रत करके इतना तुम अपने आप को पीड़ा क्यों दे रहे हो। देखो कितना मतलब हमारा माइंड ये लिबरल थॉट से कितना डिग्रेडेड हो गया है इन मॉडर्न थिंकिंग से, सोचने का विषय। पब जाता है व्यक्ति, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, तो उस पे लोग कहते फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या आजादी का जीवन है।
उनसे कोई प्रश्न नहीं करता है कि भाई तुमको इसमें आनंद आ रहा है। हो सकता है जो भाई तपस्या में उसको आनंद आ रहा है एकादशी, वो भगवान का व्रत पालन करना चाहता है उसमें उसको आनंद आ रहा है, तो उसमें हमको लगता है वो फोर्स किया जा रहा है। और ये बार बार हम सुनते हैं ना तो हमको ऐसा लगने लगता है कि सही में वो फोर्स किया गया, फोर्स किया गया। और दारू पीने में हमको लगता है कि आनंद आ रहा है, बल्कि वो पीयर प्रेशर के कारण है, वो बल्कि समाज में ऐसा बन गया है कि दारू पीने वाले को महानता कहते तो हम भी सोचते दारू पियो अच्छा है, ठीक है, पर वो हमारा वास्तविक निश्चय नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि मुद्गल ऋषि अपने परिवार पे अपने पत्नी पे कितना अत्याचार कर रहे हैं, आप जाके उनसे पूछो, हो सकता है उनको भी इच्छा हो कि 15 दिन में वो भी भोजन करके भक्ति बढ़ाना चाहते हैं। आप हमेशा अपना ही जजमेंट क्यों देते हो, मेरा प्रश्न है इन लिबरल थॉट वालों लोगों से, आप अपना ही प्रश्न क्यों, अपना ही थॉट क्यों चलाते हो, दूसरे पक्ष का भी तो सुनो। तो 15 दिन में ये भोजन करते थे, इनकी इतनी ख्याति बढ़ गई, दुर्वासा मुनि, दुर्वासा जिनसे दूर रहा जाए ज्यादा अच्छा है, तो दुर्वासा मुनि को ऐसा मतलब कि मुझे लगता है कि जैसे उनको श्राप दे करके वरदान मिला था कि जितना श्राप दोगे उतना आपका बल बढ़ेगा। वो सोचिए ऐसा टीचर अगर कोई रहे एग्जामिनर कि बस जहां उसको दिखा बच्चे का दुख का तुरंत श्राप दे दे, उसको आनंद आता था, उनको आनंद आता था, तो वो उन्होंने देखा अच्छा इतना इसका भक्त वो बढ़ रहा है, वो जाते हैं मुद्गल ऋषि के पास। और उसी समय जाते थे, कब, जैसे ही उनका 15 दिन हो जाता था, भोजन करने का समय होता था, पहुंच जाते थे, मैं भूखा हूं भोजन चाहिए, मुद्गल ऋषि देते थे, पूरा भोजन करने के बाद जो बचा भी रहता था उसको भी अपने शरीर में लगा लेते थे शेष करके, ऐसे दुर्वासा मुनि चले गए। ऐसा फिर आए अगले जब, फिर चलो ठीक है एक दिन 15 दिन हो गया, फिर 15 दिन आए, जैसे ही उनके परिवार भोजन करने बैठता फिर आ जाते थे, खिलाओ भाई अब मैं आ गया हूँ, क्योंकि ये तो, और ये इतने मतलब कि महान थे कोई, और वहां पे साफ साफ लिखा है व्यास देव ने, कोई भय के कारण वो नहीं कर रहे होते, श्रद्धा के कारण, नहीं दुर्वासा मुनि आए हैं, मुनि हैं, इनका हमें सेवा करना चाहिए, मैं गृहस्थ हूँ सेवा करना चाहिए, तो दान दे देते हैं। और वहां पर ऐसा वो कितनी बार करते हैं दुर्वासा मुनि, 6 बार, कितनी बार, 6 बार वो करने के बाद मुद्गल ऋषि इस तरीके से, तो उनका परीक्षा लेने के लिए 6 बार ऐसा करने के बाद फिर वो क्या बोलते हैं दुर्वासा मुनि, वो कहते हैं बहुत सुंदर वचन बोलते हैं, कहते हैं मुद्गल ऋषि जो आपने किया ये बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही दुष्कर है, बहुत डिफिकल्ट है। अरे अर्थ से, अर्थ मतलब धन को तो लोग नहीं दे पाते हैं क्योंकि धन से जीविका चलती है, और अन्न तो कोई दे ही नहीं सकता क्योंकि अन्न देने से तो जीवन ही नहीं चलेगा, लेकिन आपने अर्थ को छोड़ो, आपने अन्न का दान कर दिया, आप भूखे पेट रहते हुए भी अन्न का दान कर दिया, ये सही में बहुत महान कार्य है, मैं आपको वरदान देता हूं कि इसी क्षण आप स्वर्ग लोक के प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हो। और जब मुद्गल ऋषि को ऐसा बोलते हैं उसी समय देव दूत वहां पे सिंहासन विमान को लेकर के आ जाते हैं और मुद्गल ऋषि के पास पहुंच जाते हैं। और महाभारत में अभी तक मैंने जो पढ़ा वो पहला ये प्रसंग है जहां पे कुछ परम धाम की भी चर्चा की गई है, क्योंकि आज भद्र पूर्णिमा है और भागवत धर्म जो कि हमारा श्रीमद् भागवतम स्थापना करता है, तो आज हम वही देखेंगे भागवत धर्म भी महाभारत में। जब मुद्गल ऋषि देवदूत पहुंच जाते हैं मुद्गल ऋषि के पास और मुद्गल ऋषि से कहने लगते हैं, क्या कह रहे हैं कि चलो स्वर्ग के लिए तुम्हारा पूरा दरबार खुला है, इंद्र के शासन में, इंद्र लोक में तुम रहोगे, वो लोक जहां प्राप्त कर जो ऐसे कोई नहीं जा सकता। और अगर आप पढ़ोगे क्या सुंदर व्याख्यान किया है, तो पहले उससे पहले पूछते हैं, क्या पूछते हैं मुद्गल ऋषि कि आप मेरे को स्वर्ग में जो जो स्वर्ग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताओ, सिर्फ सुख नहीं वहां पे दोष भी अगर कुछ है तो वो भी मेरे को बताओ। और हम देखते हैं बहुत पूरा मतलब कि पूरा आप पढ़ सकते हो 260 चैप्टर से है, नहीं 261 से,
261 से पूरा वो व्याख्यान करते हैं, कौन पूरा देवदूत क्या क्या उसमें देवलोक में है, वहां पे कोई ऐसे जा नहीं सकता बिना पार तपस्या या पुण्य कर्म किए, पहला चीज। दूसरा चीज, वहां पे जो शरीर होता है वो माता पिता के वीर्य से नहीं बना होता है, तपस्या से बना होता है। तीसरा चीज, वहां पे पसीना नहीं आता है, आपके शरीर पे मैल नहीं जमता है, दुर्गंध नहीं आता है, आपको बुढ़ापा तक नहीं आता है, वहां पे भोग करने की इतनी वो मतलब थिंग्स है, इच्छा है, या कह सकते इतनी सामग्री है कि आप तृप्त नहीं होते, इतना मतलब भोग की सामग्री रखा हुआ है। और क्या कहते हैं वहां पे, कहते हैं कि कभी भी आपको थकावट भी नहीं होगा, मन में कभी ग्लानि नहीं होगा, भूख प्यास तो कभी लगेगा नहीं, ऐसा वो जो धाम है, धाम कह सकते हैं जो ये स्वर्ग लोग हैं, इसकी महानता बहुत है। और ये बोलने के बाद वो कहते हैं कि और क्या सुनना है, तो वो कहते हैं कि फिर से वो बोलते हैं कि मेरे को इसका दोष भी जानना है। जब वो ये बोलते हैं तो देवदूत लोग सोचते हैं कि बड़ा आश्चर्य की बात है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है और ये फिर भी मतलब कि दोष भी उसका देखना चाहते हैं। इसमें मेरे को एक याद आ रहा कथा, खैर थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत अच्छा है। नारद मुनि एक बार भगवान के पास गए और भगवान नारायण से कहे कि भगवान मेरे को तो लगता है कि भगवान के धाम मतलब कि सब लोग आना चाहता है, आप क्यों नहीं लेते हैं। भगवान कहे ठीक है जाओ नारद, तुमको ऐसा लगता है तो लेके आओ, जितने लोगों को लेके आना चाहते हो अच्छा है। अभी नारद मुनि आते हैं पृथ्वी लोक पे, ये सही में कथा है, अब ये कहाँ से मैंने पर सुना है। तो नारद मुनि पृथ्वी पे आते हैं और सभी लोग से कहते हैं चलो भैया भगवत धाम। अभी ये भगवान का धाम जो है, जो कि द्वंद से ऊपर है, तो इस भगवत धाम के बारे में आपको ज्यादा कहीं सुनने को नहीं मिलता सिवाय भागवतम ये सब में। तो इसलिए लोगों को तो पहले आस्था ही नहीं होता है कि सही में भगवत धाम है कि नहीं। दूसरा चीज, जब नारद मुनि ने तो पहले लोगों ने कहा अरे ऐसा कुछ होता ही नहीं, दूसरा चीज अगर कुछ लोगों ने बोला भी हाँ हाँ ठीक है चलते हैं तो चलने लगते हैं, तो रास्ते में क्या होता है जब वो गुजरते हैं स्वर्ग लोक से, गंधर्व लोक से, तो कुछ लोग कहते हैं अरे चलो रुक जाते हैं स्वर्ग लोक में, कुछ लोग कहते हैं अरे गाना बजाना क्या अच्छा चल रहा है, गंधर्व लोक में रुक जाते हैं। कुछ लोग जैसे नहीं, हम लोग जाते हैं प्लेन या स्टेशन पे, जब खास करके ट्रेन में बोर्ड कर रहे हैं तो प्लेन में चलने से पहले अरे ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं, चिप्स खरीद लेते हैं, बिस्किट खरीद लेते हैं, पानी खरीद लेते हैं, कपड़ा खरीद लेते हैं, ये सब चीज में फंस जाते हैं और इतना बड़ा बैग ले लेते हैं, कई बार ट्रेन भी चला जाता है। तो ये चीज होता है, तो उसी तरीके से सब लोग उधर उधर जाते हैं बहुत से लोग। तो नारद मुनि कहते हैं भगवान को कि देखिए भगवान मैंने इतने लोगों को लेके आ गया आपके भगवत धाम में। भगवान कहते हैं अच्छा कहाँ है। नारद मुनि पीछे मुड़ के देखते हैं कोई रहता ही नहीं है, सबके सब कहीं ना कहीं उतर गए होते हैं, सबके सब कहीं उतर गए होते हैं। ऐसा देख करके उनको बड़ा आश्चर्य लगता है। यहाँ पे एक चीज समझने का चीज है, ध्यान से समझिएगा, गहराई का चीज है ये कहानी, अच्छा है पर इसमें बहुत गुह्यम ज्ञान भी है। क्या ज्ञान है नारद मुनि इस कथा से हम समझते हैं क्या चीज अगर वो देखेंगे, ज्ञान और अनुभव में अंतर होता है। क्या होता है, ज्ञान और अनुभव में अंतर होता है। कहने का मतलब क्या है, हम कुछ चीजें सुन लिए हैं, हम कुछ चीजें सुन लिए हैं, वो ज्ञान हो गया है। हरी बोल, हम कुछ चीजें सुन लिए हैं वो ज्ञान हो गया है, लेकिन हमारा अनुभव अलग है, हमारा अनुभव अलग है। जब तक ज्ञान और अनुभव के बीच का अंतर कम नहीं होता तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते, ये समझने का प्रयास करिएगा। भगवान कई बार हमको पोस्ट पोजीशन या ये ऐसी चीजें वेल्थ दे करके, लोग कहते हैं ना अरे भगवान डिस्ट्रैक्ट क्यों करते, डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो वास्तव में जीवात्मा को उसका रियलिटी बतलाते हैं कि तुम वास्तव में अभी भी आसक्त हो। भगवान को अच्छा नहीं लगता क्या, भगवान को बुरा लगता है क्या कि कोई उनके भगवत धाम आए, नहीं चाहते हैं, लेकिन वो बताना चाहते हैं तुम्हारी रियलिटी को, हमारी रियलिटी को,
कि हम अभी भी ज्ञान ले लिए लेकिन अनुभव हमारा नहीं गया। इसीलिए गीता के 2.13 में जाकर के पढ़िएगा अगला श्लोक क्या भगवान बोलते हैं, माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं क्या बोलते हैं कि अर्जुन जैसे सर्दी और गर्मी सहते हो वैसे मान और अपमान भी सहना आदत डालो। क्यों? क्योंकि ये द्वंद जगत में जितना तुम द्वंद कम महसूस करोगे तभी तो उस वैकुंठ धाम को भी समझ पाओगे, तब वो एक्सपीरियंस कर पाओगे। क्योंकि जब इस भौतिक जगत में भी रहते हुए सुख और दुख में भी विचलित जब नहीं होंगे तभी तो फिर उस वैकुंठ धाम में जाने के अधिकारी हो जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो ज्ञान है वो अनुभव में भी बदलना चाहिए, नहीं तो सिर्फ अगर ज्ञान तक ही रह गया तो हम भी शायद फंस जाएंगे जब हमको भी कोई ऐसा अनुभव होगा स्वर्ग के जैसा, तो हम भी शायद अनुभव करेंगे कैसा फंस जाएंगे। तो इसलिए बहुत विशेष चीज है, इसलिए हमको सोचना चाहिए कि क्या हमारा ज्ञान अनुभव में बदला है। अगर नहीं बदला है तो हमें आदत डालना चाहिए जिससे कि आज से ही हम जो ज्ञान हम जो ले रहे हैं वो सही में हमारे जीवन में भी होना चाहिए। तो ये चीज बतला करके फिर वो स्वर्ग की निंदा बता रहे हैं, दोष बताते हैं और बहुत दोष बताते हैं। सबसे बड़ा दोष ये बतलाते हैं, बहुत सुंदर पहली बार पढ़ा तो आश्चर्य लगा। वो बोलते हैं कि देखो स्वर्ग का सबसे बड़ा दोष ये है ना, स्वर्ग लोक भोग लोक है, वहां पे भोग करने की होता है। पृथ्वी लोक कर्म लोक है, यहाँ पे आप कर्म करते हो। भोग इतना भोगने के बाद जब व्यक्ति को वहां से हटाया जाता है क्योंकि भोग खत्म हो जाएगा, पुण्य छिन्ने मर्त्य लोक है जो भगवान कहते हैं ना, पुण्य जब समाप्त हो जाएगा तो तुम इसी भौतिक जगत माता इस पृथ्वी लोक में गिर जाओगे। तो जब भोग से जब आदमी मतलब कि उसको हटाया जाता है तो उसको इतना पीड़ा होता है, इतना दुख होता है क्योंकि इतनी भोग करने की आदत हो जाती है कि वो स्वभावतः उसको इतना पीड़ा होता है जितना वो सह नहीं पाता है। ये सबसे बड़ा दोष है इसका, किसका? इस स्वर्ग का। तो इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग के और भी दोष बताते हैं पर ये सबसे बड़ा दोष है कि वो भोग मतलब समाप्त हो गए और आपकी आदत हो जाने के कारण आप भोग की लालसा इतनी हो जाती है कि आप जब यहाँ पे भी गिरते हो तो भोग पड़ने लगता है। इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जितना हम इस भौतिक जगत में रहते हैं ना जितना जितना ज्यादा भोग हम बढ़ाते ना, लोग कहते हैं ना भोग करने से क्या दिक्कत है आराम से जाएंगे भगवत धाम। जितना भोग बढ़ाते जाओगे जितना भौतिक जगत में रहोगे इतना आप ये मत सोचो कि कृष्ण के करीब जा रहे हो बल्कि दूर जा रहे होते हैं। इसलिए जैसे जैसे हम भोग सोचते हैं हम ना कि अरे एक भोग कर लिया तो क्या हुआ, नहीं एक भोग कर लिया तो फिर दूसरा भोग करने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, ये डेंजरस है भोग करने की इच्छा। इसलिए स्वर्ग ज्यादा कठोर हो जाता है, कठिन हो जाता है किसी को भगवत धाम जाने के लिए। तो जब ये सुनते हैं और इसीलिए व्यासदेव ने क्या कहा था दुर्योधन को अरे युधिष्ठिर को, सुख को भी भोगो अनासक्त हो करके, दुख को भी भोगो धैर्यवान रह करके, तभी तुम क्या होगे भगवान को प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो कई बार अच्छे लोग क्या होते हैं ना, बहुत दुख होते हैं, प्रभु जी इतना अच्छा कार्य किया मैंने फिर भी मैं दुख भोग रहा हूँ, क्या करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। मैंने कहा कि आप इसलिए अच्छा कार्य कर रहे थे कि शायद आप दुख नहीं भोगोगे, आप गलत हैं। आप ये दिन मन में मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज निकाल दीजिए, अगर आप ये सोच करके भक्ति करना चाहते हैं कि जीवन में दुख नहीं आएगा आप गलत जगह पे आ गए हैं, फिर आप मत करिए भक्ति मत करिए। मेरा तो यही है कहना कि आपको अगर ऐसा लगता है कि भक्ति करने से कोई दुख नहीं होगा तो ये आपकी गलत सोच है। और कई बार लोग नहीं बोलते कि अरे इससे अच्छा तो मतलब मांस मच्छी खाए होते तो ये ज्यादा अच्छा होता वो इतना, तो फिर यानी आपको खाने की इच्छा है, आप भय के कारण या आपको ऐसा लग रहा है अरे नहीं खाना होता तो ज्यादा अच्छा होता, आप खा लो इससे अच्छा जाओ आप खाओ, आपको अगर ऐसा लग रहा है। पर ये द्वंद जगत है, यहाँ पे भोग भी मिलेगा और दंड भी मिलेगा।
तो हम देखते हैं भौतिक खास करके आधुनिक जीवन में कितना पाखंड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये किसी अभंग में भी तुकाराम महाराज ने लिखा है, जो कसाई होता है वो मुर्गा या बकरे का जब गर्दन काट रहा होता है वो इतना सफाई से काटने का प्रयास करता है, सोचता है कि मेरा एक उंगली भी ना कटे। देखो क्या पाखंडीपन है, वो मुर्गा या बकरे को काट रहा है उसकी पीड़ा को उसको अनुभव नहीं हो रहा है, पर वो ये सोच रहा है कि मेरा एक उंगली भी ना कटे, एक खून भी ना निकले, और वहां पे वो इतना खून निकाल रहा है। व्याद, यही धर्मशास्त्र है। व्याद का जब मैंने बात किया था तो व्याद क्या बोला था, मैं कभी भी मांस मतलब मैं बेचता तो हूं क्योंकि मेरा स्वधर्म है, मैं क्या करूं, लेकिन मैं खाता नहीं हूं और स्वयं हिंसा नहीं करता। लेकिन आज लोग इंजॉय करते हैं, आई एम नॉन वेजिटेरियन, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं तो क्या बोलते हैं प्रदर्शन करते हैं, कहते कि वाओ आई लाइक चिकन, मैं ये खाता हूं। मैं एक बार फ्लाइट से जा रहा था वाराणसी में, मैंने आश्चर्य हो गया, एक विदेशी मेरे बगल में बैठा था, एक देसी बैठा था, वाराणसी उतरने वाला था फ्लाइट, तो कई बार आप फ्लाइट में देखोगे लोग मतलब कि नॉन वेज, तो वो एयर होस्टेस ने पूछा पहले ये इससे क्या नाम है इंडियन से, व्हाट वुड यू प्रिफर वेज और नॉन वेज, उसने बेशर्मी से बोला नॉन वेज, ठीक है, मैं तो हम लोग तो कुछ लेते नहीं, हमें का कुछ नहीं चाहिए। बगल में मेरे वो जो विदेशी बैठे होते हैं वो पूछते हैं व्हाट यू वुड प्रिफर सर, वो कहते हैं कि आई कैन नॉट ईट नॉन वेज इन द वाराणसी, मैं बनारस में नॉन वेज खा नहीं सकता, आई कैन ओनली ईट वेज। तो कई बार हम देखते कि जो मेटेरियलिस्ट हम लोग जो होते भारतवासी, इतना भोग क्योंकि दबा हुआ है ना, तो जब निकलता है तो फिर हमको धर्म का ज्ञान ही नहीं रह जाता है, तो ये चीज हो जाता है। तो उसके कारण से क्या हो जाता है कि हम इतना भोग करने की इच्छा हो जाती है कि हम अपने सेमलेस को दुनिया को दिखाते हैं कि देखो मैं मांस खाता हूं, पर ऐसा नहीं था व्याद के साथ, इसीलिए वो धर्म व्याद था, हम धर्म व्याद नहीं है। मतलब जो स्लॉटर हाउस खोल करके हम सोचते कि हम भी धर्म का कार्य कर रहे हैं वो अधर्म है। तो क्योंकि लोग इतना अनसंवेदनशील हो गए हैं कि उनको दूसरे का दुख नहीं दिखेगा, और फिर वो दूसरे का दुख कैसे समझ सकते हैं, जो व्यक्ति दूसरे को काटते वक्त उसको दूसरे का खून इतना गिर रहा है उसको दिख नहीं रहा और अपना एक उंगली ना कट जाए उसकी चिंता कर रहा है, आप सोच सकते हो लोग कितना असंवेदनशील हो गए हैं, और फिर वो दूसरे के दुख को क्या दूर करेंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसीलिए सास, यहाँ पे एक चीज समझाने का चीज है, इसीलिए सास हमारे पितर पक्ष ये सब जो आ रहा है ये सब क्यों ऐसा दिया है, रोज सूर्य को अग्न दो, भगवान की सेवा करो, क्योंकि जब ग्रैटिट्यूड, जब इतना हमारा सास हमको जो चीज बतलाता है हम वो करते हैं, तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग स्वभावतः आती है, और जब कृतज्ञता की भावना हमेशा रहेगी तो जीवन में कभी अगर उतार चढ़ाव भी होता है तो हम धर्म के पद से डगमगाते नहीं है। यही कारण है पितर पक्ष और ये सब चीज होने का, ये जो भी होता है पितर पक्ष या बद्र पूर्णिमा या अनंत चतुर्दशी, ये इतने फेस्टिवल आते हैं, हमको लगता है ये सब आने का मतलब क्या है, ये आने का यही मतलब है कि कृतज्ञता दिखाना अपने भगवान का और भक्तों के ऊपर और ब्राह्मणों के ऊपर और पूर्वजों के ऊपर, जिससे कि हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना उत्पन्न हो जाए। तो मुद्गल ऋषि ने क्या किया जानते हैं, उन्होंने कहा देवदूत को कि जाओ तुम, क्या कहा, तुम वापस जाओ, मैं नहीं जाऊंगा स्वर्गलोक। और वो कहते हैं क्यों नहीं जाऊंगा, बहुत सुंदर चीज है, वो कहते हैं मुद्गल ऋषि मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां पे भोग करने की प्रवृत्ति चाहता है, तुम जाओ, मैं इसी पृथ्वी धरातल पे रहूंगा और द्वंद के इस जगत में रहते हुए मैं जो भगवान कृष्ण का निर्देश है ना कि सुख में ज्यादा सुखी ना हो और दुख में ज्यादा दुखी ना हो। क्या होता है हमारे साथ, हम जैसे आम का पेड़ लगाते हैं, अगर 80 आम की जगह 8000 आम निकल जाते हैं तो हम इतना फूल जाते हैं कि समान नहीं रहते हैं, और अगर हम 80 आम सोच रहे हैं और 8 आम भी नहीं निकलता है तो इतना दुखी हो जाते हैं कि जैसे लगता है कि पहाड़ टूट गया। भगवान कहते हैं सुख दुख होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सुख में इतना भी सुखी मत हो जाओ, सुख इतना है और दिखा इतना रहे हो, और दुख में इतना भी मत हो जाओ कि इतना दुख है और दिखा रहे हो कि इतना दुख है, सम हो जाओ। ये द्वंद्व जगत में रहते हुए द्वंद्व का
अभ्यास करते करते कैसे हैंडल करना है, जब ये मैं सीख जाऊंगा तो फिर मैं उस परम धाम को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाऊंगा। और इसलिए मुद्गल ऋषि यहाँ पर रुक जाते हैं, कहाँ, इस भौतिक जगत में। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर चीज बताते हैं कि व्यक्ति को, इसीलिए व्यासदेव कहते हैं दान करते रहना चाहिए, सेल्फिशनेस जो जीवन है वो त्याग का भी जीवन जीना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ही एक अनुभव होता है, सेटिस्फेक्शन। जैसे एक कथा आता है, मतलब एक कहानी है स्टोरी के रूप में, एक ऋषि होते हैं वो गुरुकुल खोलना चाह रहे होते हैं, जैसे हम लोग की तरह ब्राह्मण। तो एक राजा के पास जाते हैं, वो बहुत अमीर होता है राजा, तो राजा लेकिन इतना कंजूस होता है कि वो कुछ देना नहीं चाहता। तो ये ब्राह्मण को पता था, तो वो ब्राह्मण ने कहा कि सुनिए राजा, आप दीजिए मत, आप बस एक लेटर में लिख करके दे दीजिए कि आपने 10,000 का दान दिया है, बस आप एक पत्र में लिख करके दे दीजिए, आप दीजिए मत, कोई दिक्कत नहीं है। राजा कहता है अरे लिखने में क्या जा रहा है, लिख के दे देता हूँ, 10,000 रुपया दान दिया। वो लिख ले करके वो ब्राह्मण सबको बताते, देखो राजा ने 10,000 दान दिया। सब कहते अरे वो खमंडी राजा 10,000 रुपए का दान कैसे दे सकता है, बड़ा बदल गया, अरे वाह वाह वाह। तो ये पूरा सुनने के बाद उसके कान में भी आता है, लोग उसकी सुनता है कि वाह वाह ही कर रहे हैं। वो सुन करके, अभी दान दिया भी नहीं है, सोचो वो सुन करके कि आ हा हा, क्या मतलब सुख का अनुभव होता है कि अरे लोग सही में तारीफ कर रहे हैं लोग की दान के बारे में। वो सोच करके वो 10 की जगह 20,000 सही में दान दे देता है। तो दान देने से क्या होता है ना, कई बार जब हम साधु को, और मैंने ये चर्चा भी किया है कि कहाँ किसको दान देना चाहिए, किस उद्देश्य से जब हम दान देते ना, सही में एक सेटिस्फेक्शन आता है। नहीं है अगर समझ में आ रहा है आप देख करके देखो, जरूरी नहीं हमें दो, कहीं भी दो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ देख करके देखो, वो सेटिस्फेक्शन की भावना आती है। तो ये सेटिस्फेक्शन वो हमें ऐसे नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए व्यासदेव ने कहा युधिष्ठिर को कि दान बहुत महान है, और इसीलिए मनी इज हनी, खास करके धन का दान देना बहुत ही दुर्गम है। इसीलिए भगवान महाप्रभु ने क्या कहा कि ना धनम ना जनम ना सुंदरी, ना मुझे धन चाहिए ना जन चाहिए ना सुंदरी। ऐसे महाप्रभु तब जो बता रहे उसका पालन हम तभी कर सकते हैं जब हम उस चीज को करने का प्रयास करेंगे। और एक और चीज हम देखते हैं, और भगवान गीता में भी बोलते हैं यत करोसी यत अश्नासी यत जुहोसी ददासी यत, कि जैसे जिस स्थिति में हो जहां से भी हो हमें दान करते रहना चाहिए। तो ये चीज होने के बाद अंत में, मतलब कि एक और स्टोरी जो कि मेन था हमारा थीम, खैर समय नहीं है ज्यादा, फिर भी हम लेंगे। तो दुर्वासा मुनि का ही फिर से कथा है। तो दुर्वासा मुनि पहुंचते हैं कहाँ, हस्तिनापुर में दुर्योधन के। तो दुर्योधन से बोलते हैं, कभी भी रात को भी बोल देते थे मुझे भोजन कराओ। अब दुर्योधन देखो, दुर्योधन क्यों भोजन करा रहा है ये साफ साफ लिखा है। वो अगर देखें 262.10 में साफ लिखा है, जाते हैं कोई श्रद्धा नहीं है उसके अंदर। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे बहुत श्रद्धालु हो गया है क्या, नहीं, साफ साफ लिखा है राजा दुर्योधन श्रद्धा से नहीं बल्कि साप से डरते हुए दिन रात आलस छोड़कर उनकी सेवा में लगा रहा कि कहीं अरे कब श्राप न दे दे, कब श्राप न दे दे। रात को भी उठा देते थे मुझे भोजन लगा, और जब दुर्योधन के सेवक बना लेते थे अब भोजन नहीं करूंगा, वो तो परीक्षा लेना चाहते थे। तो जब इतना खुश हो गए दुर्वासा मुनि, उस सबसे दुर्योधन से कहते वरदान मांगो। और देखो कितना कपट है दुर्योधन, वो कहता है पहले से क्या वर मांगना चाहिए, इस बात के लिए कर्ण और दुशासन से उसने पहले ही से सलाह ले रखी थी, उसको मानना था किसी दिन तो प्रसन्न हो जाएंगे, तो पहले ही से कर्ण और दुशासन से सलाह लिया था। और क्या मांगा, कहा हाथ जोड़ के, देखो ये होते हैं ऐसे लोग, हम तो क्या मांगे आपके लिए, हम बस चाहते कि हमारे भ्राता श्री जो युधिष्ठिर जो है वो वन में है, जैसे आपने हमारा परोपकार लिया, हमको वरदान देना चाह रहे अतिथि बने आए, वैसे उनके भी अतिथि बन जाइए। और देखिए शुरुआत में मत जाइएगा, पहले उन लोग को खा लेने दीजिएगा, ठीक है, खास करके द्रौपदी को भी खा लेने दीजिएगा, तब जाइएगा। देख रहे, समझ रहे हो आप कितना कपटती भरा है, कपट है दुर्योधन में, वो दिखा रहा है कि कितना हाँ अपने भाई के बारे में सोच रहा है, ठीक है।
और कब बोल रहा है जाने के लिए? द्रौपदी ने जब भोजन कर लिया, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि द्रौपदी ने जब भोजन कर लिया होगा तब कोई अन्य बचा ही नहीं होगा, क्योंकि अक्षय पात्र भी तब तक कार्य करेगा जब तक द्रौपदी ने भोजन नहीं किया होगा। इसलिए कहता है अच्छा जब वो तब जाइएगा जब द्रौपदी भोजन कर। दुर्वासा मुनि कहते बहुत अच्छा, चलो ये वरदान दे देता हूँ। और ये सुन करके वो हाथ मिला लेता, साफ दिखा यहाँ पे कर्ण से हाथ मिलाता, कहता अब आएगा मजा। तो ऐसा कपटी लोग हैं, इनके कपट के बारे में क्या बोले, पूरा कपट से भरा है। एक इंसिडेंट नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, हर समय बता रहा हूँ। तो अगर इतना इंसिडेंट के बाद भी अगर आप कर्ण को महान कहते हो तो मेरे को तो ऐसा लगता है कहीं आपके अंदर भी तो कपट नहीं ना है। ये चीज़ फिर देखना पड़ेगा, आप खुद ही देखिएगा। तो फिर क्या होता है, दुर्वासा मुनि पहुंच जाते हैं भाई। एक दिन जब पूरा भोजन हो गया होता है, दुर्वासा मुनि पहुंच जाते हैं द्रौपदी के पास और युधिष्ठिर लोग के पास कि भाई हम 60,000 अपने शिष्यों के साथ, 10,000 शिष्यों के साथ कि हमें भी भोजन कराओ, और हम अभी नदी में स्नान करके आ रहे हैं तब तक भोजन कराओ। अभी इनको समझ में नहीं आता है क्या करें। इधर द्रौपदी भगवान को स्मरण करने लगती है, बहुत सुंदर है। क्या द्रौपदी का भगवान के प्रति प्रेम है, ये देखने लायक है। भगवान का प्रति क्या प्रेम है, ये आपको मिलेगा 263.8-12। क्या पूरा ना सुंदर श्लोक में बोलती है द्रौपदी, जब वो देखती है कि अभी आ गए, अब इस मुसीबत में क्या करूं मैं, तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते कहती है कृष्णा कृष्णा महाबाहो देवकी नंदनाभय वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्ति विनाशन विश्वात्मन विश्वजन विश्वहर्ता प्रभो भया प्रपन्न पाल गोपाल प्रजापाल परात्पर आकूतीनां च विच्छित्तीनां परवर्तक नमास्तिते वरेण्य वरदानंतग तीनां कतिर्भव। ऐसे करके भगवान के नामों का स्मरण करती है। देखिए यहाँ पे नाम की महिमा भी है कि जब भगवान के भक्त बोलते तो भगवान के अनेकों नाम, गोपाल, कृष्णा, देवकी नंदन, वसुदेव, ऐसे कर करके भगवान के नामों का स्मरण करते हैं। पहले ये नहीं कि डायरेक्ट ए भगवान हमको ये चाहिए आ जाइए फट से, नहीं, भगवान के नामों का बस स्मरण करते हुए उसी में वो बस बोल देते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करिए। और क्या सुंदर मनोहर रूप को कहती है कि जो नीला जिनका वर्ण है, पीतांबरी जिनकी वस्त्र है, हाथ में जिन्होंने बांसुरी लिया है, ऐसे भगवान कृष्ण आप प्रकट हो जाइए और अपनी द्रौपदी की लाज बचाइए। ये सोच कर सुन करके भगवान कृष्ण, आप पढ़िएगा महाभारत में ही है, रुक्मणी के साथ सैया पे लेटे होते भगवान कहते मेरा भक्त बुला रहा और भागते हैं। एक वैष्णव आचार्य ने लिखा है भगवान इतनी तत्परता से भाग रहे होते इस बार, कहते अब की बार अब लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार लेट कर दिया तो इतना डांट सुना था मैंने द्रौपदी से, अब नहीं लेट करूंगा। और इसलिए भगवान एकदम मतलब कि तत्पर रहते, कहते अब लेट नहीं होगा, अब मैं किसी गनूड़ वनूड़ का इंतजार नहीं करूंगा, स्वयं अब मैं भागूंगा। और स्वयं क्योंकि वो तो भगवान है, परमात्मा भी है, तो वो उसी समय वहां पे प्रकट हो जाते हैं, कहते इस बार लेट नहीं, नो, एक बार गलती किया अब दूसरी बार गलती नहीं। तो भगवान वहां पे प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे, ऐसे बोलते हैं कि भगवान उसको द्रौपदी को कि हे कृष्ण मेरे को बड़े आज जोर से भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। तब उसको समझ में आता है द्रौपदी को, अरे ये तो मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, अभी तो एक गलती क्या था, पहले तो दुर्वासा मुनि को खिलाना था, अभी मेरा ही भगवान आए हैं, मेरे मित्र आए हैं, मेरे सखा आए हैं कृष्ण, अब उनको मैं कैसे खिलाऊं। तो उसको लगता है अरे प्रार्थना करके कहीं मैंने गलती कर दिया क्या कि मैंने भगवान को बुला दिया। लेकिन भगवान जो होते हैं ना भक्तों के बहुत मतलब कि प्रेम में बंधे होते हैं, तो कहते हैं कि अरे अरे, वो बोलते कृष्ण को कि अरे कृष्णा खाने को तो कुछ नहीं है, अभी मैं क्या करूं। भगवान कहते अरे जाके मेरे साथ मजाक मत करो, जैसे नहीं होता है प्रभु जी बोलते कि प्रभु जी कुछ खाने के लिए, अरे मजाक मत करो, खुद तो लेके आओ, भाई बहुत जोर की भूख लगी है, नहीं तो फिर मैं बरस जाऊंगा।
भगवान भी कहते हैं अरे मेरे को अभी मजाक नहीं सूझ रहा, तुम जो भी है पात्र वो लेकर के उठा के लेकर के आ, और वो द्रौपदी पात्र उठा करके लेके दे देती है। अभी देखो द्रौपदी हाउस होल्ड मतलब कि एक गृहस्थी है, और सबसे बड़ा चीज कि द्रौपदी जो है वो कामचोर नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो सही में भगवान की भक्त होने के साथ साथ उसको भगवान की सेवा में तत्परता भी था, और वो बहुत अच्छे से अपने घर का कार्य करती थी। लेकिन उस दिन उससे क्या गलती हो गया जो कि स्वभावतः नहीं होता है। वो बर्तन अच्छे से मांजती है, ऐसा नहीं सुनना चाहिए कि अरे और हर दिन ऐसे ही करती हूँ, नहीं। उस दिन गलती से उसने वो बर्तन शायद अच्छे से नहीं मांजा होता और साफ का एक कहीं तिनका थोड़ा सा लगा रह जाता है। जैसा हम अधिकतर टाइम देखते हैं कि कई बार कुछ जो प्रभु जी लोग होते हैं अच्छे से बर्तन हम लोगों को बताना पड़ता है, प्रभु जी अभी भी लगा हुआ है। लेकिन वो द्रौपदी एकदम सुकुशल थी। लेकिन भगवान देखो ये महानता होता है, गलती अगर यही आज का विषय भी था ना, अगर हम गलती कर भी देते हैं लेकिन अगर भगवान का जैसा द्रौपदी जैसा अगर हमारा शरणागति है भगवान के प्रति प्रेम है तो उस गलती में भी भगवान अच्छाई निकाल लेते हैं। ये भगवान की महानता है, यही तो कृष्ण की महानता है। तो कृष्ण वो साग को लेते हैं और वो साग को लेकर के खाते हैं और कहते हैं आह अब मेरा पेट भर गया। यहाँ पे दो तीन चीज भगवान सिखाते हैं, और जब हाँ ठीक है पहले कहानी कर लेते फिर आपको बताते हैं क्या चीज हुआ। तो दो तीन चीज सिखाने से पहले भगवान जब ये खा लेते उधर क्या होता है, दुर्वासा मुनि और 10,000 जो शिष्य गंगा में स्नान कर रहे होते बार बार स्नान करके डकार मार रहे होते, कहते अरे सब एक साथ डकार मार रहे होते, कहते अरे कुछ खाया नहीं अभी से डकार क्यों मारे जा रहे, कहते अरे डकार तो सब लोग कह रहा होता है कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि कुछ खावाएगा ही नहीं। सब दुर्वासा मुनि के पास जाता है, कहते ऋषि जी गुरु जी बड़ा गलती हो गया है, क्या हो गया, खाने का तो कुछ इच्छा नहीं हो रहा है, उधर युधिष्ठिर को बोल दिया बहुत बड़ा पकवान बनाने के लिए, अभी क्या किया जाए। दुर्वासा मुनि कहते वही मेरा भी हालत हो गया और मेरे को तो अब डर लग रहा है, क्योंकि दुर्वासा मुनि याद करते साफ साफ लिखा महाभारत में, दुर्वासा मुनि कहते मैंने एक बार गलती किया है, किसके साथ, अम्बरीश महाराज के साथ, कि अम्बरीश को मैंने देखा था भाई भगवान का भक्त था, मैं उसके ऊपर अटैक करने चला तो मेरे को भागना पड़ा पूरा त्रिलोकीनाथ भगवान के वैकुंठ तक भागा, भगवान के यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं कर सकता, हाथ खड़ा कर दिए, वहां से भाग करके मैं अम्बरीश के पास गया। भाई देखो ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा ना हो कि आज ही जल के राख हो जाए, चुपचाप इससे पहले कोई आए निकल कर भाग जाते हैं, रहने दो भाई कौन जाएगा। ठीक है ये सोच करके दुर्वासा मुनि और 10,000 चीज जैसे था वैसे कहे जल्दी पकड़ो अपना कपड़ा और लेके भागो यहाँ से, इससे पहले कोई आ गया तो फिर तुम अपना जीवन रखना। दुर्वासा मुनि कहते मैं तो भाग रहा हूँ, सब ऐसे करते वो पकड़ के भागने लगते। इधर भगवान कहते अरे वो बुलाओ ना उनको, क्या हुआ। सहदेव जाता कहता कि अच्छा, तो वो चिल्लाता है दुर्वासा मुनि दुर्वासा मुनि, तो उसको कहीं दिखते ही नहीं होता, भाग गए पूरा एकदम। तो यहाँ पे जब युधिष्ठिर कहते कि क्या हुआ सहदेव को, तो सहदेव कहता अरे पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। भगवान कहे अब चलेगा तो चलेगा, उन लोग का कहाँ क्या ठिकाना, मुनि लोग यहाँ रहते, कभी उधर मिल गया होगा कहीं और जगह खाने का मिल गया होगा, छोड़ो जाने दो। तो इस प्रसंग से भगवान दो तीन चीज सिखाते हैं। पहला चीज भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना कौनते है न जानी प्रणश्यति नामे भक्ता प्रणश्यति, कि कुंते पुत्र अर्जुन जाके घोषणा कर दो मृदंग और करताल से मेरा भक्त का कभी नाश हो नहीं सकता, पहला चीज। दूसरा चीज भगवान कहते हैं यस्मिन तुष्टे जगत पुष्टे जगत तुष्टाम, कि जब मैं संतुष्ट हो गया तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाएगा, ये चीज हमको समझाने का प्रयास करते हैं। और तीसरा चीज भगवान ये दिखलाना चाहते हैं कि कई बार हम मिस्टेक कर सकते हैं, गलतियां करेंगे, लेकिन भगवान का अगर आश्रय लेते हैं तो क्या होता है कि हम भी भगवान उसमें से अच्छाई निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ एक चीज से, जैसे हम गाड़ी में जाते हैं, एक जीपीएस आजकल के सिस्टम चल गया है, तो जीपीएस में जैसे अगर बोला राइट लेने को और मान लीजिए हम लेफ्ट ले लेते हैं तो क्या फिर जीपीएस दिखाना बंद कर देता है, वो रीराउटिंग करता है और फिर वो कहता है कि ऐसे करके इधर से निकलिए। उसी तरीके से अगर जीवन में मान लीजिए हम कोई गलत रास्ते पे चले भी गए
लेकिन अगर भगवान और भगवान के भक्तों से जुड़े रहे, जीपीएस अगर ऑन किए रहे हैं, अगर भगवान से जुड़े रहे, तो भगवान कभी ना कभी कहेंगे कि बेटा गलत रास्ता ले लियो, अब इधर से रीरूट करके फिर से वापस आ जाओ, या ऐसे इधर से। उसी तरीके से भगवान गलत रास्ते पे जाने पर भी अगर भगवान के भक्तों या भगवान का संग नहीं छोड़ेंगे, जप नहीं छोड़ेंगे, तो पुनः वापस स्थापित हो सकते हैं। एक और चीज सीखने का चीज भगवान बताते हैं, कहते हैं इसका मतलब ये भी नहीं हमें ये सोचना चाहिए कि हमें गलतियां करना है। हमारा मिस्टेक करना, गलती करना, ये कृष्णा का प्लान नहीं है। बट गलती करने पर भी कृष्णा उसको कितना अच्छा रूप दे देते हैं और उस मिस्टेक को अपने प्लान में डाल देते हैं, ये कृष्णा की महानता है। और एक और चीज, जैसे कोई मान लो मास्टर है, मालिक है, उसका कोई नीचे कार्य करने वाला व्यक्ति अगर गलत कर देता है, अगर वो उसको मार मार के पीट के एकदम मार डाले या उसको अधमरा कर दे जिससे वो चल ना सके, तो फिर कार्य कौन करेगा? उसी मास्टर को करना पड़ जाएगा। उसी तरीके से हमको ये सोचना चाहिए, कई बार अगर हमने गलती कर दिया तो कई बार हम इतना डिप्रेस हो जाते हैं या इतना तमोगुण, क्योंकि भगवान कहते ना 18वें अध्याय में, तमोगुण की प्रवृत्ति क्या होती है कि व्यक्ति सिर्फ गलती के बारे में सोचता रहता है और सोचता है मैंने इतना बड़ा गलती कर दिया, हाय रे हाय मैं क्या कर दिया, और वो अपने उस गलती से ऊपर रेक्टिफाई, उस पश्चाताप या प्रायश्चित करके उठने का प्रयास करता ही नहीं। जबकि व्यक्ति को यह समझना चाहिए सबसे बड़ा रिसोर्सेस क्या है, वो स्वयं है, सबसे बड़ा रिसोर्सेस वो स्वयं है, और वो अपने गलतियों को कौन सुधार सकता है, वो स्वयं सुधार सकता है। इसलिए भगवान 6वें अध्याय में कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रित करके उस अच्छे कार्य में लगाओ जिससे कि तुम मेरे भगवत धाम को प्राप्त कर सको। इतना कहने के बाद तो इसलिए अगर हम अपने जीवन में कुछ चाहते हैं कि बदलाव हो या कुछ चेंजेस हो, तो वो हमें खुद से ही निर्णय लेना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि जब तक हम अपनी मदद नहीं करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद नहीं करेंगे। तो ऐसे इस, क्योंकि आज भद्र पूर्णिमा भी है, तो 2-3 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ भद्र पूर्णिमा। और आज श्रील प्रभुपाद जी हमारे विशेष जो कि संस्थापक आचार्य हैं, उसका आज जी के दिन उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। उन्होंने संन्यास इसलिए लिया था क्योंकि करुणावश समाज में भगवत धाम भागवत धर्मों का प्रचार करने के लिए और गुरु के प्रति आसक्ति होने के कारण, और वो चाहते थे इस चैतन्य महाप्रभु की महिमा का प्रचार प्रसार हो सके, इसलिए उन्होंने संन्यास करुणावश के लिया था। और आज के दिन भद्र पूर्णिमा के दिन विशेषकर भागवत जो कि मैंने आपको बताया, और हम खास करके भागवत धर्म, रूपा जी कहते थे दो भागवत होते हैं, एक ग्रंथ भागवत होता है, एक व्यक्ति भागवत। ग्रंथ भागवत से भी महान होता है व्यक्ति भागवत, क्योंकि व्यक्ति भागवत जो होता है अगर हम गलत कर रहे होते तो वो कान पकड़ के ऐट के बता सकता है कि ये गलत कार्य कर रहा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति हो जो सही में भागवत के धर्मों का पर आचरण करते हुए आपके जीवन में वो चीज रोशनी डाल सके। बहुत जरूरी है अगर हम इस भागवत धर्म का प्रचार या प्रसार करना चाहते हैं तो अपने जीवन में सबसे पहले आचरण में लाने के लिए। और ये हम देख सकते हैं खास करके जब पांडवों के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि सही में भागवत कितना सुंदर उनका जीवन है कि वो स्वधर्म करते हुए भी भगवान से कैसे जुड़ते हैं, सभी चीजों को जोड़ते हुए भगवान से जुड़ रहे हैं, और जब अंत समय आता है तो सब कुछ छोड़ करके सिर्फ भगवत धाम के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन अभी भौतिक जगत में रहना है तो वो चीज सीखने के लिए हमको ये भागवत, ये पांडवों जैसे महान भागवतों से हमें सीखना चाहिए कि कैसे उनका जो जीवन हमेशा तपस्या, जैसे आज हमने देखा युधिष्ठिर महाराज गलतियां किए, ऐसा नहीं है, यही महाभारत बतलाता है, गलती करेंगे, गलती होता है, लेकिन गलतियों से सीखना है, आगे बढ़ना है। दूसरा चीज, ऐसे लोगों का संग किया किसनों ने, युधिष्ठिर महाराज ने, कैसे ऋषि मुनियों का, जो जानते हैं कि कैसे जीना है इस भौतिक जगत में और कैसे उस धाम को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे लोगों के बीच रह करके वो ऐसे ऐसे अनेक प्रश्न करते हैं, उनको भी बहुत से प्रश्नों का पता होता है लेकिन प्रश्नों का उत्तर करते हैं, क्या सही है
क्या गलत है, ये प्रश्नों का उत्तर करते हैं। और हम देखते हैं एक और चीज अर्जुन के भी जीवन में कि अर्जुन का स्वधर्म में इतना वो नियुक्त था, ये महानता है अर्जुन का। हम अगर अर्जुन को कर्ण से कंपेयर करते हैं तो ये हमारी नीचता है, हमारी सोच में ही नीचता दिखता है। क्यों? क्योंकि कल जो हम देखेंगे एक विशेष चीज जो कर्ण का, जो आप सुन करके हिल जाएंगे, शायद आज तक आपने सुना नहीं होगा वो कर्ण के बारे में, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो महाभारत से ही बताऊंगा। मैं जो भी बताऊंगा कल एक एक प्रसंग लेकर के बताऊंगा कि कर्ण कितना बड़ा कपटी था, वो तो आपने देखा ही कितना बड़ा। पर और एक और प्रसंग जिसमें उसको महानता कहते हैं लोग ना, वो क्या कपट किया वो कल देखेंगे एक चीज। और एक और चीज मैं इस प्रसंग से अंत करूंगा कि भक्ति जो है वो मार्च पास्ट के जैसा नहीं है। मार्च पास्ट कहने का मतलब सब लेफ्ट राइट करते हुए एक साथ जैसा नहीं है। भक्ति जो है परिक्रमा जैसा है, जैसे परिक्रमा करते हैं ना भगवान के विग्रहों का, मंदिरों का, या गोवर्धन परिक्रमा, तो परिक्रमा में कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, कोई रुकता है प्रसाद के लिए, कोई चलता रहता है। उसी तरीके से कोई किस स्पीड में चल रहा है, किस चीज में चल रहा है, वो मैटर नहीं करता है, और ना ही हमको दूसरे का देख करके करना भी चाहिए। क्या मैटर करता है, हम किस चीज का परिक्रमा कर रहे हैं, यानी केंद्र किसको रखे हैं, गोवर्धन को, भगवान के मंदिर को, या किसी और चीज को। ये चीज को अगर हम देखेंगे ध्यान में रख करके कि परिक्रमा हम किस चीज का कर रहे हैं, भगवान के भक्तों का, भगवान के विग्रहों का अगर परिक्रमा कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई आगे रहे कोई पीछे रहे, लेकिन भक्ति में लगे रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस भद्र पूर्णिमा में। और कल जो विशेष प्रसंग रहेगा वो कर्ण की कपटता पे विशेष रहेगा कि हम सही में देखेंगे अर्जुन से बराबरी कर ही नहीं सकते हैं, और अर्जुन की बड़ा धनुर्धरता ही नहीं, हम देखेंगे जिस चीज ने उसको कहा जाता है ना वो भी उसमें वो नहीं था, वो किसी और कारण से उसने वो कार्य किया था, पर लोगों ने उसको कुछ और कार्य से बताया। हम देखने का प्रयास करेंगे कल। अगर कोई प्रश्न है कमेंट है तो फिर नहीं तो यहीं पे हम रुकेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कर दिया।